sometimes, but I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way, yeah. When it hurts like ओके गाइज, यहाँ पे मैच को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टीम्स हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं यहाँ पर, और विदाउट एनी डिले यहाँ पर मैच को स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि प्लेयर्स भी आने वाले हैं यहाँ पर। स्ट्रीम को थोड़ा सा गाइज शेयर कर दीजिएगा। आई नो कि हम लोग थोड़ा सा अलग से टाइम पे स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास इसी टाइम अवेलेबल थे हम लोग और इसी टाइम ही कर पा रहे थे। रात को टीमों का सीन है और मैच को स्टार्ट करते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पर सीन देखते हैं रिंग लीडर वर्सेस गाइस स्पॉट शॉट का यहाँ पर मैच चलने वाला है सेमीफाइनल, और लेट्स सी कि गाइस यहाँ पर क्या सीन रहता है और कौन सी टीम बाजी लेके जाती है। ओके गाइस, इसके बाद 360 में बनाएंगे। अभी के लिए ये कौन सा टाइम है लाइव आने का? यार असल में ना रात को बहुत सारे फाइनल्स हैं, तो हमारा आज फाइनल नहीं होना हो पाना था, तो इस वजह से आज अभी मैसेज करवा रहे हैं। अभी हमें टीम ज्वाइन करती हुई नजर आएंगी। पहला सेमीफाइनल यहाँ पर चलता हुआ नजर आने वाला है हॉट शॉट वर्सेज रिंग लीडर्स के दरमियान। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे रिंग लीडर्स और जो है यहाँ पर हॉट शॉट, उनमें यहाँ पर जो है वो कौन बाजी लेके जाता है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है हमारे पास मैच चलता हुआ दिखाई देने वाला है सेमीफाइनल का। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही ज़बरदस्त मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिक्का है, अनस है, हाशु है, साजिद यहाँ पे प्ले कर रहे हैं हॉट शॉट की जानिब से, और बात करते हैं रिंग लीडर से। जेस्टर है, जालिम है यहाँ पर, ऐसे टॉस है, बोस यहाँ पे प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये स्क्वाड यहाँ पर रिंग लीडर्स का है। पहला सेमीफाइनल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और पहले सेमीफाइनल के मैचेस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखा जाएगा रिंग लीडर्स की स्क्वाड आना शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम कहा जा रहे हैं स्लेयर की जानिब से। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, वेलकम हो गया। जो जो भी बंदे नए आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर जो है चले गाइस यहाँ पर टीमें मौजूद हैं हमारे साथ, अभी तक होल्ड किया जा रहे हैं। नेक्स्ट मैच आपको 360 में देखने को मिल जाएगा। एचओबी है, बिल्कुल एचओबी का अगला मैच देखने को मिलने वाला है। एचओबी भी प्ले करती हुई नजर आएगी, वो क्वार्टर फाइनल में है और अगर वो आज हार जाती है तो बाहर हो जाएगी, लेकिन सेमीफाइनल की टीम्स को यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज रहने वाला है। एचएस की स्पोर्ट आ रही है गाइस, मैं आप लोगों के लिए वो भी लगा देता हूँ, पोलिंग भी लगा देता हूँ यहाँ पर।
ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सकें। कौन यहाँ पे सेमीफाइनल जीतेगा? फाइट स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर और करीब में बढ़ते हुए नजर आ रही है। काफी अच्छे शॉट सिक्का की जानी से डाउन करने में कामयाब हो सकते थे। 2v2 की सिचुएशन है गाइस, यहाँ पे 2v2 की सिचुएशन है। अनस और सिक्का आ चुके हैं और यहाँ पर रिंग लीडर के एक ही प्लेयर रह चुके हैं, जेस्टर। गाइस क्या लगता है, जेस्टर यहाँ पर अकेले 1v2 कर पाएंगे? गलत जगह के ग्लू वॉल लगा दी थी और इसका एडवांटेज यहाँ पर जाने वाला था टीम हॉट शॉट को। एग्जैक्टली हॉट शॉट का फायदा होता हुआ नजर आया। मिमी तो सो रहा होगा, मिमी सो रहा होगा, आपको बड़ा पता है मिमी के बारे में। HOB का मैच गाइस नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट मैच होगा HOB का। चलें गाइस, पहला राउंड यहाँ पर हॉट शॉट अपने नाम कर चुकी है सिक्का। अनस, सहाशु एंड साजिद यहाँ पे प्ले करते हुए नजर आ रहे थे। काफी अच्छा स्टार्ट दिया यहाँ पर हॉट शॉट ने सेमीफाइनल का और रिंग लीडर्स उनका मुकाबला कर रही है सेमीफाइनल में। लेट्स सी कैंपर सेमीफाइनल में कौन बाजी लेकर जाने वाला है, बॉस की बात करेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और होल्ड किया जा रहा है उनकी जानिब से। रिंग लीडर यहाँ पर मौजूद है। सॉन्ग बंद कर दो यार, सॉन्ग मैं स्लो कर देता हूँ, बंद तो नहीं मैं करने वाला यहाँ पर, स्लो जरूर कर देता हूँ मैं आपको यार, ये बेटर है। बेस्ट ऑफ थ्री या एक मैच है सेमीफाइनल का भी एक ही मैच है गाइस यहाँ पर और इसके बाद दो क्वार्टर फाइनल्स हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेमीफाइनल से हारने वाली टीम प्ले करेगी सेमीफाइनल में दोबारा से अगर यहाँ पर हार जाती है, क्योंकि ये दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं जो अभी तक कोई भी मैच नहीं हारी। ना हॉट शॉट यहाँ पर कोई मैच हारी है, ना ही यहाँ पर रिंग लीडर अब कोई भी अपना मैच हारी है। तो यहाँ पर इनकी तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा। जाली प्ले करते हुए नजर आ रही है, ऐसे टॉस मौजूद है, बॉस यहाँ पर खेलते हुए नजर आने वाले। चले गाइस यहाँ पर जल्दी से थोड़ी सी शेयरिंग मार दें यहाँ पर ताकि जो है वो मुझे स्पॉट आती हुई नजर आ जाए, तो मैं थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट्री में। ये फाइट स्टार्ट हो चुकी है, डाउन किए रहेंगे यहाँ पर बॉस काफी जबरदस्त। यहाँ पर सिक्का को डाउन किया इन्होंने, एक्स्ट्रा टॉस को उठाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उठाने में कामयाब भी हो जाएंगे। हॉट शॉट की बात करेंगे, अनस ऊपर से डैमेज इन कुछ कर रहे थे। हार्ट टू डाउन हो चुके हैं गाइस यहाँ पर। साजिद की बात करेंगे, साजिद आए हैं हील कर रहे हैं। ओ भाई साहब क्या ही बात है यहाँ पर आशु की और सॉरी साजिद की, यहाँ पर क्या ही बात है, दो प्लेयर्स को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। काफी अच्छा स्टार्ट मिला था रिंग लीडर्स को इस राउंड में, लेकिन अब यहाँ पर बाजी पे चेंज होती हुई नजर आ रही है। जालिम अकेले रह चुके हैं रिंग लीडर्स की जानिब से यहाँ पर और लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या बनता है और क्या सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके गाइस, साजिद यहाँ पर इनको भी खत्म करते हुए नजर आएंगे और एग्जैक्टली गाइस यहाँ पर जो है वो ये राउंड जाएगा टीम हॉट शॉट के नाम। हमने पोस्ट चेंज कर दिया है होपफुली। कह रहे आज रात को स्ट्रीम नहीं, आज रात को स्ट्रीम नहीं होगी, इसी वजह से इस टाइम स्ट्रीम कर रहे हैं क्योंकि रात को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनल्स हैं टीम्स के, तो इस वजह से अभी से मैचेस करवा के हम लोग चैंपियन यहाँ पर जो है वो देखने वाले हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिंग लीडर्स प्ले कर रही है और रिंग लीडर्स के साथ मुकाबला है हॉट शॉट का, सेमीफाइनल चल रहा है और जो भी सेमीफाइनल में यहाँ पर जीती हुई नजर आएगी वो क्वालिफाई कर जाएगी यहाँ पर फाइनल के लिए। और गाइस यहाँ पर शॉट लगाने की कोशिश की जा रही है, देखना पड़ेगा। साजिद यहाँ पर नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, शॉट लगाया यहाँ पर साजिद ने। भाई हॉट शॉट ना वैसी हो चुकी है यहाँ पे, हॉट शॉट एग्जैक्टली वैसी हो चुकी है यहाँ पर और कोई मौका नहीं दे रही यहाँ पर हॉट शॉट और बैक टू बैक राउंड अपने नाम करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर हॉट शॉट की जानी से। और रिंग लीडर के सिर्फ एक प्लेयर ऐसे टॉस रह चुके हैं, बच पाना मुश्किल है क्योंकि साजिद ऑन फायर है। 6 किल गाइस यहाँ पर साजिद निकाल चुके हैं और 3 राउंड अपने नाम कर चुके हैं। बहुत जबरदस्त स्टार्ट यहाँ पर टीम हॉट शॉट का चलता हुआ और क्या ही जबरदस्त सेमीफाइनल यहाँ पर प्ले किया जा रहा है हॉट शॉट की जानिब से। अगर यहाँ पर सेमीफाइनल जीत जाती है हॉट शॉट तो फाइनल में प्ले करती हुई नजर आने वाली है और फाइनल काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। और जिस तरीके से प्ले किया जा रहा है हॉट शॉट की जानिब से सेमीफाइनल में काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिल रही है।
नहीं, यहाँ पर कोई भी लूज करता है, होट शॉट लूज करती है या रिंग लीडर लूज करती है, वो दोबारा सेमी फाइनल प्ले करती हुई नजर आएगी, और जो यहाँ पे जीत जाएगी फाइनल के लिए चली जाएगी, क्योंकि डबल एलिमिनेशन सिस्टम था यहाँ पर इस टूर्नामेंट का, तो इस वजह से इन दोनों टीम्स के पास एक चांस है अभी। अगर हारते हैं तो सेमीफाइनल में ही देंगे, अगर जीत जाते हैं तो फाइनल प्ले करते हुए नजर आएंगे। आशु का अभी तक किल नहीं आया, लेकिन साजिद यहाँ पर वॉट शॉट की जानी से 6 किल करने में कामयाब हो चुके हैं। चाचा यू ब्यूटी जमाल कह रहे हैं, और सिक्का की तो क्या ही बात है, यहाँ पर सिक्का में यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रही है। बात कर लेते हैं रिंग लीडर्स की, जेस्टर है यहाँ पर, जालिम है, एसर टॉस है, और बोस प्ले करते हुए नजर आ रही है 1 किल के साथ। और लेट्स सी गाइस, यहाँ पे 3-2 की सिचुएशन है, सॉरी 3-0 की सिचुएशन है। रिंग लीडर जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट का कोई भी मैच नहीं हारी थी, यहाँ पर हॉट शॉट के हाथों 3 राउंड्स हार चुकी है, और अगर हॉट शॉट यहाँ पे विन करती है फाइनल में जाती हुई नजर आएगी। क्या हाशु का शॉट लगा यहाँ पर, हेड शॉट, वो भी चार्ज वेस्टर्ड का, भाई चार्ज वेस्टर्ड का हेड शॉट लगा दिया यहाँ पर हाशु ने, बहुत जबरदस्त स्टार्ट है यहाँ पर हाशु की जानी से। एनएस की बात करते हैं, 3 किल के साथ है, फाइनली हाशु का किल आता हुआ नजर आया यहाँ पर। रात को सल्लू डाउडी के चैनल पे फाइनल है, हाँ यार 2-3 फाइनल्स हैं, तो इस वजह से अभी मैचेस करवा रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में मुश्किल हो जानी थी। साजिद को डाउन किया गया है, साजिद यहाँ पर कवर दे रहे थे, लेकिन अभी रिंग लीडर्स के 2 ही बंदे रह चुके हैं, जालिब रह चुके हैं और एसर टॉस रह चुके हैं, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ पर इनके लिए। और ये देखे ग्लूवा सड़ती हुई नजर आ रही है, एक और प्लेयर डाउन किए गए हैं यहाँ पर एसर टॉस, और अकेले प्लेयर रह चुके थे जालिम। और शॉट ऑन फायर, फाइनल में कदम जमाने के लिए तैयार है। और आपको क्या लगता है गाइज, ये जो सेमीफाइनल रह जाएगा और फिर क्वार्टर फाइनल रह जाएंगे, कौन सी टीम हॉट शॉट के साथ फाइनल प्ले करती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि फिलहाल के लिए हॉट शॉट ने अपनी आधी गेम जीत ली है और इस सेमीफाइनल को आधा जीत लिया है यहाँ पर, और जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉट शॉट यहाँ पर ये सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में कदम जमाएगी, और रिंग लीडर्स को अपना सेमीफाइनल दोबारा खेलना पड़ेगा एक नई टीम के साथ जो कि हमारे साथ यहाँ पर प्ले करती हुई नजर आने वाली है। लेकिन अभी भी रिंग लीडर्स के पास चांस है, अगर फाइनल में जगह बनानी है तो यहाँ पर हॉट शॉट को हराना पड़ेगा। डबल एलिमिनेशन सिस्टम की वजह से यहाँ पर टीम्स के पास चांस है, इन दोनों टीम्स के पास चांस है, क्योंकि अपने दो दो मैचेस जीत चुकी थी और सेमीफाइनल्स अब प्ले करती हुई नजर आ रही है। कह रहे साल्ट वर्सेस, यार अभी हाउस ऑफ ब्लड भी पड़ी है, अभी कुछ भी हो सकता है, हाउस ऑफ ब्लड पड़ी हुई है, टीजी पड़ी हुई है अभी, और साल्ट स्पोर्ट मान सकते हैं कि साल्ट स्पोर्ट भी फाइनल में जा सकती है, तो देख लेते हैं क्या सीन रहता है यहाँ पर। एचओबी एलिमिनेट हो गई, नहीं ब्रो, एक मैच हारी थी, वो आज क्वार्टर फाइनल खेलेगी। एचओबी अपना एक मैच खेलेगी यहाँ पर, जिसका जो के क्वार्टर फाइनल रहेगा यहाँ पर, और देखेंगे गाइस क्या सीन रहता है उसके अंदर। ओके गाइस, यहाँ पर बात कर लेते हैं, टीम रिंग लीडर्स को फिर से नुकसान आता हुआ नजर आ रहा है, और 3 प्लेयर्स अभी भी हॉट शॉट के मौजूद हैं, 3 प्लेयर्स हॉट शॉट के मौजूद हैं, रिंग लीडर्स के 2 ही बंदे रह चुके हैं, और यहाँ पर डैमेज आता हुआ नजर आने वाला है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो डैमेज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे टॉस मौजूद है, यहाँ पर क्या लगता है यहाँ पर क्या बाजी लेके जा पाएंगी टीम रिंग लीडर्स, क्योंकि अभी तक हॉट शॉट की तरफ से काफी तगड़ी गेम प्ले देखने को मिली है। दुआ करो गुरु की शादी हो जाए, क्यों मैंने आपको के तंग किया हुआ है। सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज कितने मैचेस हैं गुरु भाई? यार आज फाइनल तक प्ले किया जाएगा टीम्स की तरफ से, और चैंपियन जब तक कोई बन नहीं जाएगा मैचेस होते रहेंगे चमट परी। ओके, एस्टर ट्रॉस को डाउन किया गया है, जालिम यहाँ पर रह चुके हैं, जालिम की बात करेंगे, जालिम यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, जालिम के लिए मुश्किल है यहाँ पर। ओके गाइस, हॉट शॉट के साजिद ये राउंड निकाल के दे देंगे टीम हॉट शॉट को, भाई टीम हॉट शॉट यहाँ पर नॉट कमिंग स्लो, सेमीफाइनल यहाँ पर जीत के करीब है और फाइनल में जगह बनाने के लिए तैयार है, यहाँ पर फाइनल में जगह बना सकती है यहाँ पर। डीपी वाले कह रहे थे एंट्री कर दो, हमारी नेट नहीं था हमारा, ले 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 स्टन मजे लेते हुए।
भाई कोई मौका नहीं दे रही यहाँ पर हॉट शॉट टीम रिंग लीडर को। जालिम यहाँ पर देखने को मिल रही है, जालिम डाउन हो सकते हैं यहाँ पर। एक शॉट किए जालिम, ओके एक प्लेयर को डाउन किया। यहाँ पर बोस की बात करेंगे, बोस को भी खत्म कर दिया गया है भाई। 7-0 अभी तक ना इस लीग में हुआ नहीं है, अभी तक इस लीग में 7-0 नहीं हुआ था। और मुझे लग रहा है कि आज के सेमीफाइनल में जिस तरह हॉट शॉट भाई प्ले कर रही है ना, बहुत खतरनाक प्ले कर रही है। नेक्स्ट मैच एचओबी का है, शायद नेक्स्ट है या फिर उससे नेक्स्ट है। ओके गाइस यहाँ पर सेमीफाइनल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। पहला सेमीफाइनल जो भी टीम जीतेगी यहाँ पर फाइनल में क्वालिफाई करेगी, और जो हारेगी वो सेमीफाइनल दोबारा से प्ले करती हुई नजर आएगी नीचे से जो टीमें क्वालिफाई करके आती हैं। चले गाइस यहाँ पर शॉट लगाने की कोशिश की जा रही है, टॉस काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल देखने को मिलने वाला है, और जो यहाँ पर वो टीम जीतेगी यहाँ पर, ओ भाई साहब यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। नेशनल टॉस यहाँ पर पीछे हटते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी गाइस यहाँ पर नेशनल टॉस की बात करेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे जालिम की बात करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर टीम हॉट शॉट को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। हॉट शॉट के पास चांस था यहाँ पर वाइट वॉश करने का, लेकिन अनस अब अकेले रह चुके हैं। अनस यहाँ पर, अनस की एचपी कम, और यहाँ पर वाइट वॉश से तो बची है यहाँ पर रिंग लीडर यहाँ पर वाइट वॉश होती हुई थी, बच चुकी है। 6-1 की सिचुएशन है, एक राउंड की यहाँ पर जो है वो वापसी हुई है रिंग लीडर्स की जानिब से, और बहुत ही तगड़ा प्ले करती हुई नजर आई है यहाँ पर। भैया आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है यार, आजकल तो वहां क्या सत्यानाश हुआ है, गला खराब है भाई, बहुत बुरे हाल है। ओके गाइस यहाँ पर 6-1 की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। हॉट शॉट वर्सेस गाइस यहाँ पर रिंग लीडर होता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर टीम रिंग लीडर्स कम बैक कर सकती है। सेमीफाइनल चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर वाई के सीएस दंगल का, यहाँ पर जो कि हमारे साथ सुपर सीएस दंगल देखने को मिला है। टॉप 8 टीम्स के दरमियान जो KFFPL की टॉप 8 टीम्स यहाँ पर मुकाबला करती हुई नजर आई, जिनमें से दो टीमें अभी तक बाहर हो चुकी हैं, जिनमें डीपी अगॉन है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड टीम हमारे साथ देखने को मिली है टीम 5 म्यूटेंट्स। लेकिन अब बात कर लेते हैं इन 6 टीम्स में से कौन सी टीम आज चैंपियन बनेगी, ये देखने को मिलेगा। एसेटॉस अकेले रह चुके हैं। ओके यहाँ पर शॉट लगाते हुए एग्जैक्टली यहाँ पर एसेटॉस को खत्म करेंगे, और 12 किल के साथ साजिद यहाँ पर क्या ही तगड़ी गेम प्ले, क्या ही तगड़ा स्टार्ट देते हुए नजर आए। और टीम हॉट शॉट यहाँ पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और फाइनल के लिए प्ले करती हुई नजर आएगी। भाई मजेदार सीन था यहाँ पर यार, ये जालिम इनकी साइड पे कैसे आ गए यार, ये सस्ते नशे चल रहे हैं यहाँ पर। एचओबी का मैच गाइस अगला हो सकता है, मैं जरा चेकआउट कर लेता हूँ। एचओबी का अभी मैच है, वैसे तो अभी मैच है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर यार 360 अपडेट हो चुका है, तो मैं 360 में कोशिश कर रहा हूँ कि 360 यहाँ पर जो है वो हम लोग वो करवा लेते हैं 360 में, इस रूम से सिंपल रूम की बजाय जो है वो 360 में करवा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साल्ट वर्सेस एचओबी होगा, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। ओके गाइस अभी टीजी वर्सेस साल्ट होने वाला है, टीजी वर्सेस साल्ट होता देखने को मिलने वाला है, टीजी वर्सेस साल्ट, और उसके बाद वो सीन हमें देखने को मिलेगा। टीजी वर्सेस साल्ट गाइस यहाँ पर टीजी वर्सेस साल्ट है, उसके बाद यहाँ पर अगला मैच होगा हाउस ऑफ ब्लड वर्सेस आर स्टार्स प्ले करेगी हाउस ऑफ ब्लड के साथ, और टीजी वर्सेस साल्ट में से जो जीतेगी और एचओबी वर्सेस आर स्टार्स में से जो जीतेगी उनका मैच करवाया जाएगा, और जो भी उनमें से जीती हुई नजर आएगी वो यहाँ पर जो है वो मुकाबला करेगी रिंग लीडर्स के साथ, फिर रिंग लीडर से जो विन करेगी वो हॉट शॉट के साथ यहाँ पर चैंपियन बनने के लिए लास्ट मैच जो कि हमारा ग्रैंड फिनाले होगा वो प्ले करती हुई नजर आने वाली है। ओके मैं जरा गाइस यहाँ पर जो है वो लगा लेता हूँ 360, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 360 पे ज्यादा मजा आने वाला है यहाँ पर सिंपल से।
तो 360 बस अपग्रेड हो चुका है यहाँ पर, तो बस मैं उसको जो है यहाँ पर चेकआउट कर लूँगा और उसके ऊपर यहाँ पर जब वो मैच करवाते। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है। 60 वर्सेस एचओबी, नहीं अभी 60 वर्सेस टीजी है और उसके बाद यहाँ पर उसामा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नबील भाई आप कैसे हो? कांग्रेचुलेशन फॉर 100K, थैंक यू सो मच। अमार गेमिंग एफएफ ब्रो, टीजी भी है, एग्जैक्टली टीजी भी है और टीजी का मुकाबला यहाँ पर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। टीजी का मुकाबला यहाँ पर रहेगा टीम सार टी स्पोर्ट के साथ और सार टी स्पोर्ट और टीजी में से जो विन करेगा वो यहाँ पर जो है वो हमारे साथ अगले राउंड में प्ले करता हुआ नजर आने वाला है। अब्दुल मोइस भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम गाइस, 82 लाइक्स हो चुके हैं तो जल्दी से 100 लाइक्स कंप्लीट कर दें जिस जिसने 100 लाइक्स कंप्लीट नहीं किए, और 360 हमारे पास आ चुका है, थैंक गॉड। ओके गाइस, यहाँ पर जो है हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगला मैच जो है वो 360 में करवा लूँ, तो इस वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को ताकि जो है मैं ये कर लूँ जल्दी से। चले गाइस, 360 यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है तो यहाँ पर 360 में करवाते हैं अगला मैच। और यहाँ पर एक करेक्टर भी आ चुका है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूँ यार, एक नया करेक्टर आया है और काफ़ी मज़ेदार करेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये रहा करेक्टर, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है, यहाँ पर इसकी एबिलिटीज भी मैं आप लोगों को मैंशन कर दूँगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये बंडल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। यार इसका ना, इसका जो बंडल का सीन है ना वो, उसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इस बंडल में हमारे साथ जो है, इस बंडल की कुछ ना कुछ जो क्या बोलते हैं यहाँ पर शेप जो है वो हमें सीज़न वन जैसी लगती है और लग रहा है थोड़ा बहुत तो सीज़न वन की लुक लग रही है। और यहाँ पर न्यू करेक्टर यहाँ पर हमारे साथ आ चुका है और लेट्स सी गाइस यहाँ पर जो है हमारे साथ 360 भी अपडेट हो जाए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से वहाँ पर 360 में मैच करवा सकें, क्योंकि यार इंटरेस्टिंग रहेंगे, मज़ेदार रहेंगे मैच 360 में, और 360 में पूरी लोकेशन वगैरह शेयर होती है। तो साल्ट ईस्ट ओवर वर्सेस यहाँ पर जो है वो टीजी के दरमियान यहाँ पर सेकंड मैच रहने वाला है। हॉट शॉट ने बड़ी जल्दी यहाँ पर मैच को विन कर लिया, टीम रिंग लीडर्स को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हॉट शॉट खुद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और फाइनल प्ले करती हुई नजर आने वाली है, फाइनल यहाँ पर प्ले करती हुई नजर आने वाली है गाइस यहाँ पर। ओके गाइस, क्या कह रहे हैं, आरजेड वाले रोने लग गए थे यार मुझे मोड देख। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ पर जो है वो जल्दी से यार देखना पड़ेगा आईडी पास, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टीम्स को जल्दी जल्दी खिलाना है आज। और हो गया गाइज। चलो गाइज, यहाँ पर ये करेक्टर भी आप लोगों ने देख लिया है, न्यू करेक्टर आ चुका था और काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर जो है वो मैं ज़रा ऑन कर लेता हूँ 360 अपना, ताकि जो है हम लोग 360 के मज़े ले सकें, और 360 में तो मज़ेदार सीन रहता है, मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, वहाँ पे दिखाने में भी मज़ा आता है। चलिए
चले गाइस मैंने कर लिया है यहाँ पर 360। अब अगला मैच जो है वो 360 पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपडेट नहीं आई थी, तो अभी अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है वो मैच भी कर देते हैं ताकि जल्दी से ज्वाइन कर दें। साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस गाइस यहां पर देखने को मिलने वाले हैं, और साल्ट ईस्पोर्ट यहां पर मुकाबला करेगी टीम टीजी के साथ, और ये क्वार्टर फाइनल रहेगा यहां पर। हाँ, रहता हूँ फैसलाबाद से। अच्छा जी ब्रो, कैरेक्टर की स्किल्स क्या है गुरु? जरा मैं चेक आउट कर लेता हूँ यार, मुझे खुद नहीं पता, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। रैपिड रश कह रहे हैं यहाँ पर, स्पीड बढ़ा देगा मेरा ख्याल है। दिस स्किल्स कैन बी 5 सेकंड कूल डाउन बिटवीन ईच यूज। क्या मतलब दो बंदे यूज कर सकते हैं क्या? देखो गाइस मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अभी अभी आया है कैरेक्टर, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूं। इसको अपग्रेड तो करते हैं यार, इसका लेवल अप करते हैं। इसका लेवल अप करते हैं, न्यू कैरेक्टर आ चुके हैं हमारे पास। और सीक्रेट मिशन वांट टू जॉइन? हाय 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 हाय, फुल हो गया, लेवल मैक्स हो गया गाइस इसका। इसको लगाते हैं इसके साथ स्काइलर की जगह, इसको लगाते हैं यहाँ पर। अरे वैसे इसका ये बंडल बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका बंडल। पता नहीं ये बाकियों को पहना सकते हैं कि नहीं पहना सकते, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इसका बंडल प्यारा है। इसकी ड्रेसिंग पता नहीं दूसरों को करवा सकते हैं कि नहीं। गुरु पैसे लेते हैं लोकेशन बनाने की। अश्विन ब्रो आपकी फेवरेट टीम? इसकी तो फेवरेट टीम भाई एच ओ भी है। चलो गाइस यहाँ पे टीम तो हमें ज्वाइन कर चुकी है या नहीं कर चुकी है देख लेते हैं। ओके, टीम टीजी आई है यहाँ पर, और टीम टीजी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। दूसरी टीम भी जल्दी से आ गए यहाँ पर। मैं जरा मैसेज कर देता हूँ गाइस यहाँ पर। ओके गाइस आ रही टीम आ रही है हमारे साथ, और यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं अवेले बंदा ये इंतहाई, मुझे डिलीट कर दिया प्लीज़ रिक्वेस्ट। ओके चलो कर लेते हैं। हर टूर देखते हो, जिस टूर में जाओ आप लाजमी होते हैं, अवेला बंदा कह रहे हैं अवेला बंदा है ये इंतहाई। ओनली एच ओ बी लवर, क्या बात है एच ओ बी के शैतान यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ एच ओ बी वहाँ में, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ एच ओ बी आ जाती। ये नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एच ओ बी का मैच होता है वहाँ पे आप चले जाते, ये मानने में आ जाती है बात, लेकिन ये बात गलत है, आप दूसरी वाली कर रहे हो। चलो गाइस अगला क्वार्टर फाइनल देखने को मिलने वाला है, तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में। मैं अपनी लोकेशन बताऊं कहाँ रहता हूँ भाई? मैं तो नहीं बताने वाला, ना 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 ना। बिग फैन सर, बिग फैन ब्रो, बिग फैन। भाई मेरी सारी फेवरेट टीम है, मेरी सारी की सारी फेवरेट टीम है भाई। करेक्टर नया आ चुका है, करेक्टर की जो एबिलिटीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ लें भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं तो। Don't believe Shiro when it comes to यार लुक बहुत प्यारी है, बाकी बात तो बातें अपनी जगह, लेकिन लुक बहुत प्यारी है।
लुक वाकई में बहुत प्यारी लग रही है। चलो यार आ जाओ यार साल्ट वालों। एक फेवरेट टीम इंशाल्लाह 1 मिलियन हो जाएंगे। नहीं मेरे हो जाएंगे कि नहीं मेरे आइए तो आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आपके होंगे कि नहीं होंगे। यार मैं नहीं बता रहा हूं ना मेरी जान, मैं क्यों बताऊं अपनी लोकेशन? मैं फेस रिवील भी नहीं किया और मैं आपको अपनी लोकेशन बताता फिर हूं कि भाई इधर आ जाओ। फिर गुरु की फेवरेट टीम है फेवरेट है यार कितनी बार बताएं। गुरु की एचओबी फेवरेट है यार, एचओबी तो फिर लव है ना। यार क्या सीन है भाई, इतना लेट कर रही है। मैं एक मिनट गाइस कॉल करता हूँ। यार देख लें फिर, आप ही लेट कर रहे हैं फिर आपने कहना है। ओके मैं तो एचओबी के लिए आया हूँ। एचओबी का अगला मैच है गाइस, एचओबी का अगला मैच देखने को मिलेगा और फिलहाल के लिए यहाँ पर I'm the good boy. गुरु ऐड कर लो प्लीज। किसको ऐड कर लूं यार, सीन ऐसे है कि अभी मैचेस है ना गाइस, मैचेस है अभी यार। इस पे मैंने बहुत ट्राइयां कर ली, बहुत ज्यादा पैसे भी लगा लिए पर ये नहीं निकलने वाली। मैंने सोचा है कि अब क्यों ना यहाँ पर जो है ना इंक्यूबेटर की ये वाली एक ही स्किन निकाल लेते हैं, कोई हल्की फुल्की सी जैसे कि ये वाली, कि एक पर्ची निकाल ली थी मैंने और एक पर्ची में यही निकलने वाली है तो यही सीन कर लेते हैं। चलेगा इस मैच को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पूछ कर। साल्ट में आज एक नया प्लेयर भी खेल रहा है, मतलब इनका अपना ही प्लेयर खेल रहा है, साल्ट के प्लेयर खेल रहे हैं यहाँ पर। चलो गाइस मैच हो गया स्टार्ट, ये बाद में करते हैं इसका सीन और मैच को एंजॉय करते हैं यहाँ पर। चलो भाई लोग, साल्ट के एक प्लेयर नहीं आया अभी तक। अरे यार KK-18 खुरी और ब्लैक होक आके हैं, एक प्लेयर नहीं है। आहा आहा हमें बैक जाना पड़ेगा। अरे यार फर्स्ट ब्लड गाइस, एक बंदा ही नहीं निकाला यार।
भाई पंगी चल रहे हैं अभी तक तो। एच ओ भी कह रहे हैं ब्रो ट्रेनिंग में जाकर चेक करा दो, क्या चेक करा दो ऑनलाइन हो नीट से इधर। ओके ब्रो क्या ट्रेनिंग में जाके क्या चेक कराना है ब्रो, आपकी गेम देखनी नहीं है, ट्रेनिंग जाओ, आपकी गेम दिखी नहीं है क्या मतलब, मैं समझा नहीं यार। चलो गाइस फिलहाल के लिए ना मैच दोबारा स्टार्ट किया गया है क्योंकि पहले मैच का थोड़ा सा इशू आ गया था, तो अभी यहाँ पर दोबारा से ज्वाइन करती हुई नज़र आएगी। अब एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो पूरे हैं प्लेयर्स और टीम साल टी स्पोर्ट वर्सी गाइस, यहाँ पर टीजी की फाइट होने वाली है स्टार्ट और क्वार्टर फाइनल देखने को मिलने वाला है। जो टीम हारेगी गाइस वो बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी गाइस। यहाँ पर साल टी स्पोर्ट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, खुरी प्ले कर रहे हैं, केटीन प्ले कर रहे हैं, साइक है यहाँ पर और उनका साथ दे रहे हैं ब्लैक हॉक। और अगर बात करते हैं टीम डीजी की तो यहाँ पर टीम डीजी के रोमन, सनी, जेड एंड हमजा यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। आज शार्की भैया नजर नहीं आ रहे और टीजी की तरफ से यहाँ पर जो है वो एक प्लेयर हमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हमजा जरूर प्ले करते हुए नजर आएंगे। और साल्ट के ये दो बंदे अभी तक ब्लैक हॉक और एक और प्लेयर है साइक अभी तक पीछे ही मौजूद है और अभी तक जो है वो आए नहीं है और इन्होंने गन्स उठा ली है यहाँ पर। और अब देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या सीन रहने वाला है। टीजी की बात करते हैं, रोमन दिखाई दे रहे हैं, हमजा है यहाँ पर, जेड है और सनी प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम ब्रो, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो गाइस यहाँ पर देखते हैं टीम पीजी यहाँ पर होल्ड करती हुई नजर आ रही है। साल टी स्पोर्ट के केटीन और खुरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर फाइट देखने को मिलने वाली है। साल टी स्पोर्ट और टीजी में से एक टीम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी और इससे अगला मैच गाइस यहाँ पर रहने वाला है टीम हाउस ऑफ ब्लड का यहाँ पर। और देखें गाइस यहाँ पर क्या सीन रहता है, हाउस ऑफ ब्लड यहाँ पर जो है वो प्ले किस तरह करके दिखाती है। ऑल स्टार्स के साथ उनका मुकाबला है और ऑल स्टार्स क्या उनको टक्कर दे पाएगी यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड को, ये देखना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर साइक की तरफ से आगे बढ़ा जा रहे हैं और देखना पड़ेगा टीजी के यहाँ पर तीन चार प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं जबकि साल टी स्पोर्ट के तीन प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। के टीम की एचपी कम होती हुई नजर आई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। के टीम को नीचे आना पड़ेगा, के टीम को नीचे आना पड़ेगा, जंप लेकर नीचे उतरे हैं और बिल्कुल उनको जेड ने स्पॉट कर लिया है। जेड की तरफ बढ़ते हुए जेड को डैमेज देने की कोशिश की गई है लेकिन नहीं 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 खासा फायदा नहीं हुआ। के टीम को डाउन कर दिया गया यहाँ पर, खुरी यहाँ पर रह चुके हैं, साइक यहाँ पर बैक साइड से गए हैं, साइक ने यहाँ पर रोमन को डाउन कर दिया है। साइक हमजा को भी डाउन कर सकते थे लेकिन नहीं, यहाँ पर हमजा डाउन करने में कामयाब हुए और यहाँ पर खुरी यहाँ पर रह चुके हैं जो कि सनी का मुकाबला करने वाले हैं। खुरी की बात करेंगे, खुरी यहाँ पर अकेले हैं, सनी यहाँ पर और जेड आते हुए, खुरी ने यहाँ पर डैमेज दिया लेकिन गाइस यहाँ पर टीम टीजी ये टक्करदार मुकाबला देती हुई नजर आई है और यहाँ पर ये राउंड टीम टीजी के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। क्या बात है गाइस, यहाँ पर टीम टीजी को जिस तरह की एक अच्छे राउंड की जरूरत थी उसी तरीके से राउंड निकालती हुई नजर आई है और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है उनकी फाइट रही है और राउंड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर काफी जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिली है गाइस। लाइक कर दें जिसने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। और चले गाइस यहाँ पर साल टी स्पोर्ट आ चुकी है और साल टी स्पोर्ट की बात करते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और टीम टीजी यहाँ पर पहला राउंड निकालने में कामयाब हुई है। इस बार जो है वो हमारे साथ ब्लैक होक भी आ चुके हैं जो कि लास्ट राउंड को नहीं प्ले करते हुए नजर आ रहे थे, इस बार प्ले किया जाएगा उनकी जानिब से। हाँ यार गला खराब है बहुत ज्यादा, फीवर हो गया था, कुछ बेटर है। ओके गाइस टीम पीजी की स्पोर्ट आती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है साल टी स्पोर्ट यहाँ पर टीम पीजी को हरा पाएगी? काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो अच्छी गेम प्ले देखने को मिलती है साल टी स्पोर्ट की जानी से। स्पेशली कल ब्लैक होक जिस तरह प्ले कर रहे थे बहुत तगड़ी गेम प्ले थी इनकी जानी से, लेकिन हॉट शॉट ने साल टी स्पोर्ट को हरा दिया था और अब हॉट शॉट ने रिंग लीडर को भी हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अब कौन सी टीम जाएगी? पांच टीमों में से अभी भी चांसेस हैं, टीजी के चांस हैं, साल टी स्पोर्ट के चांस हैं, हाउस ऑफ ब्लड के चांस हैं यहाँ पर और
ऑल स्टार्स के चांस है और रिंग लीडर के चांस है यहाँ पर फाइनल में जाने के लिए, लेकिन एक टीम यहाँ पर फाइनल में जगह बना चुकी है और वो टीम यहाँ पर रहने वाली है टीम हॉटशॉट। हॉटशॉट पहली टीम ऐसी है जो यहाँ पर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है और फाइनल में जगह बनाती हुई नजर आई है। गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं, सारडी स्पोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, सारडी स्पोर्ट के केकेटीन अकेले यहाँ पर मौजूद थे और टीजी के यहाँ पर दो प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और सामने से यहाँ पर जो है वो ऊपर से रश करने का फैसला किया जाएगा। दिखना पड़ेगा किस क्वार्टर फाइनल में कौन बाजी लेके जाता है और इस क्वार्टर फाइनल को कौन अच्छे से प्ले करता हो। ओके गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर टीजी के तीन प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर टीजी के तीन प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, जेड आते हुए नजर आ रहे हैं, जेड ने एक और प्लेयर को डाउन किया। ओह जेड दो बंदों को डाउन करने में कामयाब, और माय गॉड तीन बंदे भाई डाउन हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर बाजी निकालेंगे साल्ट ईस्पोर्ट के केकेटीन। क्या ही जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर केकेटीन की तरफ से देखने को मिली है। भाई साल्ट ईस्पोर्ट को यहाँ पर ये राउंड भी भारी पड़ सकता था क्योंकि जिस तरह प्ले किया जा रहा था और मुश्किल में डाला जा रहा था, लेकिन फायदा हुआ यहाँ पर केकेटीन ने शॉट लगाए, बदले में जेड तीन बंदों को डाउन करने में कामयाब हो चुके थे। रोमन है यहाँ पर, हमजा है यहाँ पर, जेड है और सनी प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई क्या ही अलग गेम प्ले थी यहाँ पर, लेकिन साल्ट ईस्पोर्ट ने बाजी निकाल ली है। अब देखना पड़ेगा टीजी यहाँ पर अटैक करती हुई नजर आने वाली है और आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तीनों प्लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साल्ट ईस्पोर्ट की बात करते हैं तो अभी तक यहाँ पर जो है बैक साइड में मौजूद है, आई थिंक सो ब्लैक होक का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होक काफी लेट रोटेशन लेते हुए नजर आते हैं। अभी गन भी नहीं ले सके तो मुश्किल रहेगा यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट के ब्लैक होक के लिए कि विदाउट गन, नहीं गन तो है मेरा ख्याल है उनके पास, जरा चेकआउट कर लेते हैं हम लोग उनके पास कोई गन है या नहीं है। बिल्कुल उनके पास दो गन्स हैं और काफ़ी अच्छी गन्स हैं यहाँ पर, लूट तो अच्छी है यहाँ पर। और टीजी के रोमन की बात करते हैं, वेट कर रहे हैं, हमजा एक किल के साथ हैं, जेड एक किल के साथ हैं और सनी जीरो किल के साथ दिखाई दे रहे हैं। रश करने का फैसला किया गया है यहाँ पर, देखना पड़ेगा। यहाँ पर रोमन आ चुके हैं, रोमन ने साइक को डाउन किया लेकिन बैक साइड से ब्लैक हॉक ने रोमन को हेडशॉट लगा दिया। यहाँ पर केकेटीन भी डाउन हो चुके हैं, टीजी इस बार काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है टीम साल्ट ईस्पोर्ट के लिए। साल्ट ईस्पोर्ट के दो बंदे डाउन है जबकि यहाँ पर जो है वो टीम टीजी के यहाँ पर जो है वो दो बंदे रह चुके हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है जेड को भी डाउन किया गया है, रश करने का फैसला किया गया, ब्लैक हॉक यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, ब्लैक हॉक को भी डाउन किया गया है। यहाँ पर बैक साइड से खुरी ने केकेटीन को हील कर लिया है और यहाँ पर खुरी आ चुके हैं यहाँ पर, खुरी का अटैक आ चुका है, खुरी यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानब से केकेटीन आ चुके हैं, केकेटीन ने एक प्लेयर को डाउन किया है यहाँ पर। अब खुरी अकेले रह चुके हैं, प्लेयर को रिवाइव करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा और मेरा ख्याल है कि रिवाइव कर भी दिया जाएगा। खुरी अकेले रह चुके हैं, टीजी के पास चांस है ये राउंड अपने नाम लेके जाने का और देखेंगे यहाँ पर। सिक्का भाई कह रहे हैं कि 6-6 तक जाएगा ये राउंड। यार अब आप तो मजे ले रहे हैं भाई, आप अब फाइनल में पहुंच गए, अब आप देख रहे हो कि भाई कौन सी टीम हमारे साथ फाइनल में आती है, मजे ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि टीम साल्ट ईस्पोर्ट थोड़ा सा वन साइडेड कर सकती है। नो डाउट कि टीम टीजी इस टाइम बहुत टक्कर का मुकाबला दे रही है, लेकिन अपनी गलतियों से साल्ट ईस्पोर्ट ने ये राउंड हारा है, माने या ना माने उनकी यहाँ पर गलती थी। और अगर यहाँ पर जो है वो पहले रोटेशन लेकर सारे इकट्ठे जाते तो शायद टीजी को नुकसान पहुँचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और टीम हॉटशॉट यहाँ पर जो है वो हमारे साथ ग्रैंड फाइनल में पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर पांच टीमों में से जिनमें हमारे पास टीम टीजी है, साल्ट ईस्पोर्ट है, हाउस ऑफ ब्लड है, टीम ऑल स्टार्स है और रिंग लीडर्स है, पांच टीमें और पांच टीमों में से एक टीम यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करेगी हॉटशॉट को फाइनल में, तो देखा जाएगा वहाँ पर क्या बनता है। ओहो आज भी लाइव, अच्छा आज आपको खांसी नहीं आई, खांसी क्या मतलब। ओके गाइस यहाँ पर रश कर दिया गया, कुरी को डाउन किया गया, नहीं भाई टीजी ऑन फायर है भाई आज, साल्ट के तीन बंदे डाउन और ब्लैक होक की एचपी कम और ब्लैक होक कह रहे हैं आओ मुझे मार लो यार ये सही था। ओके गाइस यहाँ पे टीम टीजी ऑन फायर है, काफी बंदे कह रहे थे कि साल्ट प्ले करेगी पॉट शॉट के साथ ग्रैंड फाइनल, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीम टीजी साल्ट ईस्पोर्ट को इस लीग से बाहर करने वाली है, टीम टीजी उनको आगे नहीं बढ़ने देगी, तो यहाँ पर वो कहाँ फाइनल में प्ले करेगी जाकर। गाइस 3-1 सिचुएशन हो चुकी है। अब सिक्का भाई ने जो बोल दिया ना, मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसे होने के चांसेस हैं इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पर।
चलिए गाइस लाइक बटन दबाएं, जिसने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया जल्दी से लाइक बटन दबाएं और लाइक करें। गुरु पूल तो न्यू लगा दे, ओहो हो पूल मैंने नया नहीं लगाया, चलो मैं लगा रहा हूँ। चलो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं पूल, यार मुझे याद भूल गया था, लगा देते हैं। चले गाइस यहाँ पर लगा दी है और लेट्स सी गाइस, यहाँ पर टीम टीजी है हमारे साथ और टीम यहाँ पर जो है वो साल्ट ईस्पोर्ट प्ले करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ा जा रहे हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा साल्ट ईस्पोर्ट के पास यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और साल्ट ईस्पोर्ट मुश्किल में पड़ सकती है यहाँ पर, जिस तरह से प्ले कर रही है काफी अच्छी गेम प्ले रही थी इनकी। होट शॉट के मुकाबले में भी 6-6 ईच कर दिया था, लेकिन आज टीम टीजी के हाथों यहाँ पर जो है वो मुश्किल में जाती हुई नजर आ रही है। ओके गाइस साइक है यहाँ पर खुरी प्ले कर रहे हैं आज, और आज जो है साल्ट ईस्पोर्ट की तरफ से हमें एक प्लेयर नहीं देखने को मिल रहे और उनकी जगह आज खुरी प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले इनके साथ कौन से प्लेयर रहे थे मुझे ये भूल ही गया। ओके ब्लैक होक आगे आ रहे हैं, खुरी यहाँ पर जो है वो होल्ड कर रहे हैं। लेट्स सी हमजा की बात करेंगे जो शार्की की जगह प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं टीम टीजी की तरफ से, और यहाँ पर जो है वो जेड की तरफ देखा जाए तो सनी भी यहाँ पर जो है वो होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे यार छोड़ो, चले गाइस यहाँ पर जो है वो साल्ट ईस्पोर्ट के प्लेयर्स यहाँ पर सारे दिखाई दे रहे हैं और टीम टीजी के प्लेयर्स अंदर वाली साइड में मौजूद है। अगर ग्लू लगा दी तो साल्ट ईस्पोर्ट मुश्किल में पड़ जानी है। ओए होए भाई साल्ट कर क्या रही है यहाँ पे यार, ये क्या थी? अच्छा जोन बाहर वाली साइड पे है भाई, बाहर वाली साइड पे जोन क्या भाई, यहाँ पे जोन था क्या? ओ भाई 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 साल्ट ईस्पोर्ट को बड़ा फायदा हुआ है यहाँ पर, साल्ट ईस्पोर्ट को बहुत फायदा हुआ है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर जो है वो साल्ट ईस्पोर्ट, भाई क्या बात है यार, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये अंदर जाए बगैर यहाँ पर ये राउंड निकाल सकते हैं। एचओबी आउट है, नहीं नहीं एचओबी का अगला मैच है भाई, एचओबी अभी एक मैच ही आ रही थी इस लीग का। मैंने पहले बताया कि डबल एलिमिनेशन सिस्टम है यहाँ पर और दो मैचेस हारने के बाद टीम इस लीग से बाहर होगी, इस वजह से अभी चांस है। हाँ डीमन स्प्राइड गाइस आउट हो चुकी है, डीमन स्प्राइड और 5 म्यूटेंट्स यहाँ पर इस लीग से बाहर हो चुकी है और साल्ट ईस्पोर्ट का अटैक आ चुका है गाइस, यहाँ पर देखना पड़ेगा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फुल अटैक पे चली गई यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट और ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया गया है। 3-2 की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी इंटेंस मैच चल रहा है यहाँ पर, काफी फंसा हुआ मैच चल रहा है यहाँ पर और देखा जाएगा यहाँ पर क्या सीन रहता है। टीम साल्ट ईस्पोर्ट के खुरी यहाँ पर मौजूद है और 1 किल के साथ है, 5 किल के टीम के हैं। साइक अभी तक अपना खाता नहीं खोल सके और ओके रोमन यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, टीम टीजी का यहाँ पर रश हो चुका है, साइक को खत्म कर दिया गया यहाँ पर और साइक आज काफी ज्यादा हल्के में जाते हुए नजर आ रहे हैं। खुरी यहाँ पर ऊपर आते हुए नजर आने वाले हैं और ब्लैक हॉक यहाँ पर बैक साइड से कवर दे रहे हैं यहाँ पर और कवर देते हुए दिखाई देंगे। लव यू सामा है, ओके गाइस यहाँ पर ओके 2v2 की सिचुएशन है, 2v2 की सिचुएशन है, टीजी के लास्ट पे, टीजी के लास्ट पे जेड रह चुके हैं। ओके यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट के दो बंदे दिखाई दे रहे हैं जबकि टीजी के लास्ट प्लेयर जेड, भाई जेड आज अच्छा खेल रहे हैं, जेड आज जो है टीजी की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग गेम प्ले कर रहे हैं। ओके गाइस यहाँ पर साल्ट के दो बंदे रह चुके हैं और यहाँ पर हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाली साइड पे यहाँ पर टीजी के प्लेयर्स मौजूद हैं जेड यहाँ पर, और यहाँ पर वो भी होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस कौन बनेगा यहाँ पर चैंपियन ये देखना पड़ेगा यहाँ पर, और चैंपियन का दावेदार कौन रहने वाला है। ग्लू वॉल हटा दी गई है, KKTin यहाँ पर मौजूद है, जेड की बात करेंगे अकेले रह चुके हैं, स्नाइपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और
चार्ज बस्टर यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। सार टी स्पोर्ट के प्लेयर्स नीचे आने वाले हैं और यहाँ पर जेड नीचे आ चुके हैं। सार टी स्पोर्ट यहाँ पर जो है वो नीचे आने का फैसला करेगी, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर होल्ड कर रही है और जेड यहाँ पर उन्हीं का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैच सेकंड मैच चल रहा है क्वार्टर फाइनल का। जो टीम यहाँ पर जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी नेक्स्ट के लिए, लेकिन जो हारेगी वो लीग से बाहर हो जाएगी। यहाँ पर साल टी स्पोर्ट बाहर होगी। ओके, जेड को काफी गंदा शॉट लग चुका है और ये खत्म करेंगे यहाँ पर खुरी, और खुरी यहाँ पर ये राउंड निकालने के बाद यहाँ पर सिचुएशन 3-3 ईच कर चुके हैं। साल टी स्पोर्ट वर्सेस टीजी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो है वो साल टी स्पोर्ट ने कम बैक कर लिया है। 3 राउंड हारे थे लेकिन बदले में 3 राउंड जीत लिए गए हैं साल टी स्पोर्ट की जानिब से। साल टी स्पोर्ट यहाँ पर 3 राउंड जीतने में कामयाब हो चुकी है। बहुत जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिल रही है टीम साल टी स्पोर्ट वर्सेस गाइस यहाँ पर टीम टीजी के दरमियान, और टीम टीजी ने एक अच्छी शुरुआत दी थी टीम साल टी स्पोर्ट के खिलाफ, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है। मैच काफी इंटेंस चल रहा है क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे 3-3 ईच चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हाउस ऑफ ब्लड वर्सेज आर स्टार्स का मैच रहेगा जहाँ पर वो प्ले करती हुई नजर आने वाली है, और यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी वो इस जीतने वाली टीम के साथ मुकाबला करेगी। ओके, कुरी यहाँ पर मौजूद है, कुरी को डैमेज आया है। यहाँ पर साइक की बात करेंगे, वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीजी ने फैसला कर लिया है रश करने का। साल टी स्पोर्ट थोड़ी सी बिखरी नजर आ रही थी लेकिन टीजी यहाँ पर रश करती हुई नजर आ रही है। प्लेयर को रिवाइव करने की कोशिश, सनी कैच भी कम, कुरी को डाउन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सनी भी डाउन हो चुके हैं और यहाँ पर कुरी को हील किया जा रहा है। टीजी के 2 बंदे रह चुके हैं, रोमन कवर दे रहे हैं बैक साइड से। ओके, ब्लैक हॉक यहाँ पर मुकम्मल कर दिए प्लेयर, और जेड एंड रोमन रह चुके हैं। साइक ने फैसला कर लिया आगे आने का और यहाँ पर चार्ज बस्टर का इस्तेमाल, जेड को डाउन किया गया। यहाँ पर रोमन अकेले रह चुके हैं यहाँ पर, और अब देखना पड़ेगा रोमन अकेले। साइक को यहाँ पर एक अच्छा शॉट लगाया है उन्होंने और डाउन किया है। ब्लैक हॉक ऊपर जा रहे हैं रोमन का मुकाबला करने के लिए, और इतनी दूर से KK का यहाँ पर शॉट लगेगा और खत्म करेंगे यहाँ पर, और ये राउंड जाएगा टीम साल टी स्पोर्ट के नाम। साल टी स्पोर्ट जो कि अभी तक जो है वो नुकसान में जा रही थी, अब लीड बनाना स्टार्ट कर दिए। आई एम बैक फ्रॉम स्कूल, 2-1 में दोनों छुप रहे। हाँ, पता नहीं क्या सीन था, क्यों नीचे नहीं आ रहे थे वो लोग। Yeah.
ओके गाइस, यहाँ पर 5-3 की सिचुएशन हो चुकी है और यहाँ पर मैच जो है वो थोड़ा सा सार टी स्पोर्ट की तरह चला गया है, क्योंकि अभी तक जो है वो फ़ायदा हो रहा था टीम टीजी को, जिन्होंने पहले आधे सार में 3 राउंड्स अपने नाम किए थे, लेकिन अब सार टी स्पोर्ट यहाँ पर 5 राउंड्स अपने नाम कर चुकी है और सिचुएशन काफ़ी चेंज कर दिया है यहाँ पर. नो साउंड, सॉरी, थोड़ा सा जो है ना काम आ गया था, लेकिन खैर 5-3 की सिचुएशन है गाइस. यहाँ पर सार टी स्पोर्ट को 2 राउंड चाहिए. इसके पास गाइस हाउस ऑफ ब्लड वर्सेस आर स्टार्स का मैच रहने वाला है क्वार्टर फाइनल का, और जो भी टीम यहाँ पर जीतेगी वो यहाँ पर जीतने वाली टीम का मुकाबला करती हुई नजर आने वाली है. आई लव रवि. नहीं यार स्नेक आई, नहीं यार स्नेक आई, नहीं यार स्नेक आई. रवि लड़का है भाई. किधर है? ओके गाइस, यहाँ पर 5-3 की सिचुएशन दिखाई दे रही है और यहाँ पर टीम जो है हमारे साथ टीजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. सार टी स्पोर्ट के टीम दिखाई दे रही है. जेड यहाँ पर सामने मौजूद है और आपको बताते चलें कि सिक्का भाई का कमेंट पढ़ने के साथ साथ मुझे याद आ गया कि होट शॉट फाइनल में पहुंच चुकी है. होट शॉट ने रिंग लीडर्स को हरा दिया, अपने 3 मैचेस जीतने के बाद फाइनल में जगह बना चुकी है और फाइनल प्ले करती हुई नजर आने वाली है आज के दिन में. और उनका मुकाबला कौन सी टीम करेगी ये अब डिसाइड होने वाला है, क्योंकि 5 टीमों में से कोई भी टीम यहाँ पर फाइनल में पहुंच सकती है. वो टीम पीजी भी हो सकती है, टीम स्टार टी स्पोर्ट भी हो सकती है, टीम रिंग लीडर्स भी हो सकती है, हाउस ऑफ ब्लड भी हो सकती है और ऑल स्टार्स भी हो सकती है गाइस यहाँ पर. ओके गाइस, यहाँ पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है. टीजी के हमजा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्टार टी स्पोर्ट को फायदा होता नजर आ रहे हैं. स्टार टी स्पोर्ट की तरफ से के टीम के 7 किल हैं, 2 किल साइक के हैं, 4 किल ब्लैक कोक के हैं और खुरी के 7 किल हैं. भाई खुरी ऑन फायर है यहाँ पर. खुरी मेरा ख्याल है कल नहीं प्ले करते हुए नजर आ रहे थे होट शॉट के मुकाबले में, लेकिन आज खुरी के आने से शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी गेम प्ले देखने को मिल रही है सार टी स्पोर्ट की. ओके, सनी को डाउन किया गया गाइस. यहाँ पर के टीम भी आ चुके हैं और यहाँ पर टीम टीजी के हमजा यहाँ पर डाउन और यहाँ पर ये राउंड भी जाएगा टीम टीजी के खाते में. सॉरी, स्टार टी स्पोर्ट के खाते में. आई लव गुरु मलिक हेयर. नहीं यार, वाह क्या सीन है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर. ओके गाइस, यहाँ पर जो है वो हाउस ऑफ ब्लड का मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है टीम आल स्टार्ट के साथ और हाउस ऑफ ब्लड के. हाई फाइनल राउंड हो सकता है यहाँ पर सार टी स्पोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टीम टीजी यहाँ पर जो है वो इस टाइम 3 राउंड जीती थी, लेकिन अभी 6 राउंड जीत लिए गए हैं टीम सार टी स्पोर्ट की तरफ से और यहाँ पर जो है वो फायदे में रहने वाले हैं, फायदे में रहने वाले हैं. गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा टीजी के, यहाँ पर चारों प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, होल्ड किया जा रहा है यहाँ पर. ओके, लेट्स सी गाइस, यहाँ पर खुरी को डाउन किया गया यहाँ पर और स्टार टीम को नुकसान में जा सकती इस बार, क्योंकि इस बार टीजी का कमबैक आ रहा था. रोमन को डाउन किया गया गाइस यहाँ पर और रोमन यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आए. वेलकम बैक हो गया गाइस यहाँ पर जो है वो सार टी स्पोर्ट के 2 बंदे डाउन है इस टाइम और हमजा की बात करेंगे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. सनी की एचपी कम होती हुई नजर आ रही है, 2v2 की सिचुएशन है, 2v2 की सिचुएशन थी, हमजा डाउन हो चुके हैं. यहाँ पर जेड की बात करेंगे, जेड यहाँ पर रिवाइव करने के लिए पहुंच चुके हैं और रिवाइव करने में कामयाब भी हो जाएंगे. एग्जैक्टली यहाँ पर प्लेयर आए हैं, उनको शॉट लगाने की कोशिश की जा रही है, फिर से डाउन हो चुके हैं. जेड अकेले रह चुके हैं, जेड अकेले रह चुके हैं. मुकाबला काफी जा सकता है सार टी स्पोर्ट की तरफ और बिल्कुल एग्जैक्टली 7-3
के साथ यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट ने टीजी को इस लीग से बाहर कर दिया और खुद जगह बना ली है नेक्स्ट राउंड के लिए। और क्या हाउस ऑफ ब्लड इनका मुकाबला करेगी या फिर आर स्टार्स मुकाबला करेगी, ये देखना पड़ेगा। दोनों टीमों का अगला मैच होने वाला है, हाउस ऑफ ब्लड वर्सेस यहाँ पर हमें साथ देखने को मिलने वाला है, हाउस ऑफ ब्लड और आर स्टार्स का मैच। और देखते हैं स्नेक आई वहाँ पे क्या करते हैं। स्नेक आई जल्दी से आ जाओ, मिंट मार के आ जाओ, मिंट मार के जल्दी से ज्वाइन कर लो और ज़बरदस्त सा सीन कर लो। यहाँ पर जो है वो साल्ट ईस्पोर्ट की अगर बात करते हैं तो साल्ट ईस्पोर्ट से 9 किल खुदी करते हुए नजर आए और सबसे ज़्यादा उनके किल रहे, और टीजी में से जेड यहाँ पर 6 किल करते हुए नजर आए। टीजी वर्सेस साल्ट ईस्पोर्ट में से साल्ट ईस्पोर्ट विन कर चुकी है और नेक्स्ट राउंड के लिए आगे जा चुकी है। और अब यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड और ऑल स्टार्स में से कौन सी टीम यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट का मुकाबला करेगी जीतने के बाद, ये देखने के लिए यहाँ पर जो है वो हमारे साथ हाउस ऑफ ब्लड और साल्ट ईस्पोर्ट ज्वाइन करती हुई दिखाई देने वाली है। हाउस ऑफ ब्लड और यहाँ पर जो है वो साल्ट ईस्पोर्ट की फाइट रही, तो यहाँ पर ज्वाइन करवा देते हैं उनको और मैच देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। चले गए स्नेक आई यहाँ पर आने वाले हैं आर स्टार्स की तरफ से। टीम हाउस ऑफ ब्लड गाइस यहाँ पर, टीम हाउस ऑफ ब्लड वर्सेस गाइस यहाँ पर आर स्टार्स होने वाला है और आर स्टार्स और हाउस ऑफ ब्लड में से जो जीतेगी यहाँ पर वो साल्ट ईस्पोर्ट के साथ मुकाबला करेगी। अभी तक हमारे साथ ग्रैंड फाइनल में पहुंच चुकी है हॉट शॉट और हॉट शॉट का मुकाबला काफी मजेदार रहेगा। यहाँ पर पोलिंग दोबारा से लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, टीजी की वोट ज्यादा थी लेकिन साल्ट ईस्पोर्ट ने टीजी को हरा दिया। यहाँ पर गाइस 200 लाइक्स होने में सिर्फ 33 लाइक्स रह गए हैं, तो जल्दी से कर दो यार 200 लाइक्स, जल्दी जल्दी से पूरे करवा दो ताकि जो है वो सीन हो जाए यहाँ पर। और अगले की मैं पोलिंग लगा देता हूँ, एचओबी और ऑल स्टार्स। गाइस नया करेक्टर आ चुका है यहाँ पर और काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। गिवे कर दूंगा, हाँ इंशाल्लाह आज गिवे करवा दूंगा। मलिक भाई क्या हाल है, गुरु भाई गुरु मेरी जान के टोटे कैसे है, ब्रोली X9 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप बताओ। HOB की स्पोर्ट आना स्टार्ट हो चुकी है, HOB का गाइज मैच आ चुका है, HOB वर्सेस ऑल स्टार्स गाइज यहाँ पर फाइट होने वाली है और जो सी टीम जीतेगी वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। 500 लाइक्स का टारगेट एम है तो जल्दी से पूरे करें लाइक्स, और 200 लाइक्स तो गाइज जल्दी से पूरे करें ना, 18 लाइक्स रह गए हैं और जल्दी से पूरे कर दें, 200 लाइक्स जल्दी से डन करें ताकि जो है जबरदस्त सा सीन हो जाए। सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। बात सुनो, मैं उमर हूँ गुरु, टोटल कितने बंडल हैं जो ओपन होने वाले हैं? कितने बंडल हैं जो ओपन होने वाले हैं मतलब? बात समझा नहीं है क्या कह रहे हैं। Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, HOB की स्पोर्ट आ रही है काफी जबरदस्त करके और HOB हमें बस ज्वाइन कर रही है, आर स्टार्स भी ज्वाइन कर रही है यहाँ पर, बस जल्दी जल्दी से आ जाएं ये लोग और मैच को स्टार्ट किया जाए। ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए क्योंकि मैच थोड़ा लंबा चला गया था यहाँ पर।
मैं आ गया। वेलकम उसामा, वेलकम वेलकम ब्रो, वेलकम। गाना चेंज ना कर लेंगे इस, क्या कहते हैं? शिरो, when it comes to the Garcias, I'm the good boy. रॉयल्टी लगाए भी बड़ा सही हो गया, रॉयल्टी लगा लेते हैं। जैसे एचओबी मैच के वक्त बैठा था आज वो मुकाबला करेगा क्या? ओके गाइस, काय हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। होगुताए डैनी है, वेनम है और मिमी यहाँ पर प्ले कर रहे हैं और मुकाबला आस्टार के साथ है। यार आस्टार अभी तक आई क्यों नहीं है? यार ये तो गलत बात है, स्नेक का अभी तक स्क्रीन पे बैठा हुआ था और मैच के लिए अभी आए। आज जल्दी आज, चलो गाइज यहाँ पर आज स्टार्स भी ज्वाइन करने वाली है और आज स्टार्स वर्सेस गाइज यहाँ पर जो है वो एच ओ बी रहने वाला है, एच ओ बी वर्सेज आज स्टार्स, और जो जीतेगी वो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट मैच भी प्ले करती हुई नजर आएगी। फेस रिवील ब्रो अभी नहीं होगा, फेस रिवील अभी नहीं है गाइस। एचओबी में से और एचओबी वर्सेस यहां पर जो है वो टीम आज स्टार्ट में से जो भी विन करेगा वो यहां पर जो है वो साल्ट ईस्पोर्ट के साथ नेक्स्ट मैच प्ले करता हुआ नजर आएगा। गुरु वाईके ज्वाइन करना है यार, कर सकते हो ब्रो, वाईके का कोई सीन नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। HOB guys join कर चुकी है और काय दी किलिंग मशीन हमारे साथ आज ज्वाइन नहीं होते हुए नजर आएंगे और उनके बगैर ही यहाँ पर प्ले करती हुई नजर आएगी उनकी टीम। होगुताहा, डैनी, वेनम और मिमी यहाँ पर, और चले गाइस मैच हो चुका है स्टार्ट, यहाँ पर मैच की तरफ बढ़ते हैं। आज स्टार्ट वर्सेस गाइस यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड, यार हाउस ऑफ ब्लड की एक बंदा नहीं है, होपफुली जल्दी ज्वाइन कर ले, इसलिए हो जाता है बहुत गया। माल आ गया, माल आ गया। टूर की रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है ब्रो? टूर की रजिस्ट्रेशन अभी तो नहीं हो रही कोई भी टूर की रजिस्ट्रेशन, जैसे भी नया टूर्नामेंट आएगा फिर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। कम्युनिटी टैब पे वैसे शेयर की जाती है, वहाँ से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। ओके गाइस, आज स्टार्स यहाँ पर प्ले करती हुई नजर आने वाली है और आज स्टार्स के प्लेयर्स यहाँ पर हमारे साथ आ चुके हैं और आज स्टार्स मुकाबला रहेगा उनका यहाँ पर टीम हाउस ऑफ ब्लड के साथ। चले गाइस, हाउस ऑफ ब्लड के प्लेयर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हाउस ऑफ ब्लड वर्सेज आज स्टार्स का यहाँ पर मुकाबला है और देखते हैं गाइस कौन सी टीम बाजी लेके जाती है।
ये क्या हुआ? सारे बैग आ चुके हैं, तो अपने बैग लेने जाते हैं। आई थिंक सो कोई इशू है यहाँ पर। गाइस कस्टम एचओडी का क्या इशू आ रहा है? कस्टम एचओडी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रीसेट हो गया है। कस्टम एचओडी का कोई इशू आ रहा है क्या? गुरु आपकी तबीयत ख़राब है क्या? हाँ यार थोड़ी बहुत। गेम में लाइव स्ट्रीम के बाद आओगे? मनी केयर कह रहे हैं। ओके गाइस कस्टम एचओडी का इशू आया है गाइस यहाँ पे। यार ये क्या है? सेटिंग में नीचे रीसेट लिखा होता है, वो हो गया होगा। रात तो सही था यार। ये क्या सीन है गाइस? वैसे ये तो पंगा हो गया। रुको मैं ज़रा चेकआउट कर लूँ। कस्टम का क्या? कस्टम एचओडी सबका रीसेट हो गया क्या? मैं ज़रा चेक आउट कर लूँ।
भाई स्पीड आ जाती है इतना। यार मेरा तो सही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ये धोखा हुआ है मोबाइल वालों को। लगा दो मोबाइल ऑन हो रहा है। चलो भाई 2 मिनट तक और भाई भाई ऑन नहीं हो रही हो गया होगा सबका कस्टम आई डी गुरु भाई है सर। भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं आ रही है ना आपकी आवाज़? यार मैं खुद ही आहिस्ता बोल रहा था कि क्या हाल है, क्या स्टार्ट आ चुकी है।
चुबी वालों के साथ यार, वो कस्टम एचओडी का इशू आ रहा है उसका, कस्टम एचओडी का इशू आ रहा है, पता नहीं चले गाइस, यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है आज स्टार्ट वर्सेस हाउस ऑफ ब्लड का। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, हाउस ऑफ ब्लड के डैनी है, वेनम है, मिनी है और ओगुता है। यहाँ पर मुकाबला रहेगा अलस्टार्ट के साथ और अलस्टार्ट यहाँ पे आगे आ चुकी है और देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सीन रहने वाली है। कुछ ही देर में यहाँ पर जब मैंने बोला था कि मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा क्योंकि कस्टम एचओडी का थोड़ा सा इशू आया था और वो यहाँ पर क्लियर आउट हो चुका है और अब यहाँ पर फाइट देखने को मिलने वाली है आज स्टार्ट वर्सेस यहाँ पर एचओबी के दरमियान। यहाँ पर दोबारा से सीन क्लियर हो चुका है ओके भाई, एचओबी के यहाँ पर वेनम को डाउन किया गया है। आल स्टार्स यहाँ पर अटैक कर रही है, आल स्टार के स्नेक आई डाउन है। होगुता की बात करेंगे, होगुता को भी डाउन कर दिया गया लेकिन ब्लैक होक यहाँ पर डाउन होते नजर आए हैं। डैनी दी डेंजर मैन भी यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकते हैं और 2v2 की सिचुएशन है गाइस, यहाँ पर 2v2 की सिचुएशन है। प्लेयर करीब आए हैं, मिमी को भी डाउन किया गया यहाँ पर मिस्टर एजे की जानिब से और हाउस ऑफ ब्लड यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलात में जाती हुई नजर आ रही है। डैनी दी डेंजर मैन गाइस, यहाँ पर डैनी दी डेंजर मैन यहाँ पर अकेले रह चुके हैं। क्या 1v2 कर पाएंगे? यहाँ पर पहला राउंड चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर देखना पड़ेगा डैनी दी डेंजर मैन यहाँ पर मैच को खत्म करेंगे यहाँ पर जीत के साथ। यहाँ पर जो है वो ये आज स्टार्ट की तरफ जाने वाली है। टीजी का लोगो शो हो रहा है एचओबी पे, हाँ यार शायद इन्होंने थोड़ा सा जो है ना जल्दबाजी में एचओबी को जो है ना वो ये लगा लिया। चलो कोई बात नहीं, दो मैचेस रहते हैं उसके बाद फाइनल है, डैनी दी डेंजर मैन अकेले रह चुके हैं और आज स्टार्स के एजे हैं और एजेंट यहाँ पर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। चले देखते हैं गाइस, एचओबी है यहाँ पर, एचओबी के यार इसको फिर हम हटा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। आज स्टार्ट वर्सेस गाइस यहाँ पर चलता हुआ, बैक साइड से आए तो थे लेकिन नुकसान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्लूवाल लगा दी गई है, अब यहाँ पर ग्लूवाल की कमी देखने वाली है और यहाँ पर मिस्टर एजे का शॉट आएगा और हाउस ऑफ ब्लड के डैनी को खत्म किया जाएगा। डैनी को यहाँ पर नुकसान आता हुआ नजर आया है और यहाँ पर डैनी को खत्म किया गया। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड के होगुता है, मिमी है यहाँ पर, डैनी है और वेनम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं और आज स्टार्ट की बात करते हैं स्नेक आई है, मिस्टर एजे है यहाँ पर, एजेंट है और ब्लैक हॉक यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
आए दिन तो गुस्सा आ गया यहाँ पर, जो जिस तरीके से इशू आया था, अभी दोबारा से उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। कस्टम एच ओ डी का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है यहाँ पर अगर चेंज हो जाए तो। और डाउन किया गया यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड, फुल अटैक गेम प्ले करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर आस्टार्स के ऊपर, और एक प्लेयर आते सार में स्नेक आई को खत्म किया गया है और यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। दिखना पड़ेगा हाउस ऑफ ब्लड के यहाँ पर जो है वो चारों प्लेयर दिखाई दे रही है आस्टार्स के। यहाँ पर मीमी को डाउन किया गया यहाँ पर ब्लैक फॉक्स की जानी से, मीमी को डाउन किया गया ब्लैक फॉक्स की जानी से, लेकिन ब्लैक फॉक्स को भी डाउन कर दिया गया गाइस। यहाँ पर मिस्टर एजे भी मुश्किल में है, उनको भी डाउन किया गया। एजेंट यहाँ पर रह चुके हैं स्टार्स के, लेट्स सी गाइस यहाँ पर एजेंट अकेले बचे हैं यहाँ पर, एजेंट की एचपी काफी कम होती नजर आ रही है। होगुता ऊपर आ चुके हैं, एजेंट डाउन, और ये ले गाइस यहाँ पर होगुता ऑन फायर हो चुके हैं। दो किल यहाँ पर होगुता के खाते में जाते हुए। आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है यार, ये इसको ना थोड़ा साइड ही कर देते हैं। कल से देख रहा हूँ, कल से इग्नोर कर रहा हूँ इनके मैसेजेस, पता नहीं क्या मतलब फजूल कोई अजीब से लोग हैं। ओके गाइस यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड वर्सेस ऑल स्टार्स की फाइट, यहाँ पर एक एक राउंड दोनों टीमें यहाँ पर अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी हैं। ऑल स्टार्स की बात करेंगे, स्नेक आई आगे बढ़ रहे हैं, मिस्टर एजे हैं यहाँ पर और ब्लैक फॉक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो आस्टार का पूरा स्क्वाड दिखाई दे रहा है। जबकि एच ओ बी की बात करते हैं, होगुता यहाँ पर, मीमी है, डैनी दी रेंजर मैन है और वेनम प्ले करते हुए दिखाई देने वाले। चलेगा इस ऑल स्टार वर्सेस हाउस ऑफ ब्लड, हाउस ऑफ ब्लड वर्सेस ऑल स्टार यहाँ पर चलता हुआ। हाउस ऑफ ब्लड के प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जबकि ऑल स्टार्स के प्लेयर्स सारे के सारे दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं हमें। डैनी यहाँ पर बैक साइड से कवर दे रहे हैं स्नाइपिंग का, लेकिन अभी इस तरफ टीम आने के लिए तैयार नहीं है। चले गए हाउस ऑफ ब्लड के यहाँ पर प्लेयर दिखाई दे रहे हैं और ऑल स्टार्स की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। एच ओ बी की स्पोर्ट आ रही है हसीब की तरफ से, गुरु भाई पोल लगा दो ना, पोल लगाए हुए ना यार ऑल स्टार्स और हाउस ऑफ ब्लड का लगाया हुआ है मैंने, पोल नजर आ तो रहा है यहाँ पर, उसको करो क्लिक करो आ जाएगा सामने। चले गाइस मिस्टर एजेंट है यहाँ पर, ब्लैक फॉक्स प्ले कर रहे हैं और हाउस ऑफ ब्लड के होगुता यहाँ पर होल्ड जरूर किया जा रहा है। मीमी यहाँ पर आ चुके हैं और मीमी का भी शायद कस्टम एच ओ डी का इशू आया था, यहाँ पर दोबारा से सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पोल लगाया हुआ है मैंने यार। ओके गाइस यहाँ पर शॉट लगा दिए गए हैं, लेट्स सी गाइस यहाँ पर करीब बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आज स्टार्स के एक प्लेयर को डाउन किया गया, डैनी दी रेंजर मैन यहाँ पर स्नाइपिंग का अच्छा इस्तेमाल, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। होगुता भी यहाँ पर आगे आ चुके हैं, होगुता की बात करेंगे, होगुता यहाँ पर शॉट लगाते हुए ओके एग्जैक्टली डाउन कर सकते हैं और ये ले गाइस यहाँ पर खत्म किया गया है। 1-2 की सिचुएशन गाइस, हाउस ऑफ ब्लड यहाँ पर आज स्टार्स को सेकेंड राउंड भी हराने में कामयाब हो चुकी है, एक और राउंड हराने में कामयाब हो चुके हैं यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड। ऑल स्टार्स की बात करेंगे, ऑल स्टार्स के यहाँ पर चारों प्लेयर मौजूद हैं और हाउस ऑफ ब्लड यहाँ पर जीत चुकी है। जो भी टीम यहाँ पर विन करेगी वो साल टी स्पोर्ट के साथ प्ले करती हुई नजर आने वाली है। चले गाइस 1-2 की सिचुएशन, 1-2 की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफी जबरदस्त गेम प्ले की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर कस्टम एचओडी की वजह से टीम को थोड़ा सा तो इशू आता हुआ नजर आ सकता है। स्पेशली यहाँ पर होगुता को यहाँ पर इशू आ सकता है, जिनकी यहाँ पर जो है वो कस्टम एचओडी रीसेट हो चुकी थी, लेकिन अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मीमी 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 भाई यहाँ पर क्या ही जबरदस्त डाउन किए प्लेयर, एक ही प्लेयर बचे हैं मिस्टर एजे और उनकी एचपी बहुत कम, क्या ही तगड़ा अटैक किया यहाँ पर टीम हाउस ऑफ ब्लड ने, और हाउस ऑफ ब्लड ने आते सार में ये राउंड अपने नाम कर लिया है। ये राउंड तो भाई मेरा ख्याल है स्टार्ट होते ही खत्म हो गया यहाँ पर,
और बिल्कुल बहुत फास्टली यहाँ पर जो है वो राउंड अपने नाम किया है और बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट यहाँ पर जो है वो देते हुए नजर आई है टीम। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड एक और कारी की तरह है, कारी आजकल जो है ना तफरी कर रहा है। हाँ यार, कस्टम एचओडी का ग्लिच आया है यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ है यहाँ पर, टीम्स को भी काफ़ी इशू हुआ था यहाँ पर, लीव करके दोबारा ज्वाइन होती हुई नज़र आई है टीम्स हमें। चले गाइस, यहाँ पर देखते हैं होगुता यहाँ पर आ चुके हैं, वैनम दिखाई दे रहे, डैनी है, मिमी यहाँ पर, मिमी बिल्कुल स्टिल खड़े हो गए हैं यहाँ पर आके। ओ भाई, मिमी आए थे लेकिन यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। हार्ड स्टार्स को फायदा होता हुआ नजर आ रहे हैं। 2-3 की सिचुएशन गाइस यहाँ पर, ब्लैक बॉक्स यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज किया गया है। हार्ड स्टार्स के स्नेक आई मिमी को खत्म करने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर, और 2-3 की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देने वाली है। स्नेक आई ने यहाँ पर खत्म किया था, डैनी की नेचर में सामने मौजूद है, शॉर्ट एक अच्छा लगा यहाँ पर, डैनी भी डाउन हो सकते हैं और यहाँ पर दूसरी जगह से ये प्लेयर भी डाउन, और ये लेगा इस यहाँ पर डैनी की नेचर मैन ने डाउन कर दिया। होगुता भी डाउन है यहाँ पर, डैनी आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और अब देखना पड़ेगा। डैनी अकेले रह चुके हैं आज स्टार से, मिस्टर एजे है, एजेंट है और ब्लैक फॉक्स यहाँ पर मौजूद है। ओ माय गॉड, 3-3 ईच हो चुके हैं गाइस यहाँ पर। हाउस ऑफ ब्लड को नुकसान होता हुआ नजर आ रहे हैं, हाउस ऑफ ब्लड नुकसान में जाती हुई नजर आने वाली है, हाउस ऑफ ब्लड नुकसान में जाती हुई नजर आने वाली है गाइस यहाँ पर। काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है टीम आल स्टार्स को, 3 राउंड्स अपने नाम कर चुकी है आल स्टार्स यहाँ पर। होगुता यहाँ पर मौजूद है, मिमी है, डैनी है, डेंजर मैन और वैनम यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने रात को भी नहीं बताया 360 का क्या? आज स्टार्ट की सपोर्ट आ रही है, आज स्टार्ट यहाँ पर काफी तगड़ी गेम प्ले कर रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलात में डाल दिए टीम हाउस ऑफ ब्लड को। हाउस ऑफ ब्लड के होगुता, मिमी एंड यहाँ पर वैनम दिखाई दे रही है। होगुता को यहाँ पर डैमेज आता हुआ नजर आया है और होगुता यहाँ पर खुद को रिवाइव हील करते हुए नजर आने वाले हैं। आज स्टार्ट का अटैक आ चुका है, आज स्टार्ट का अटैक आ चुका है, चारों प्लेयर्स आज स्टार्ट के आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं और स्नेक का यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं और मेरा ख्याल है कवर देने के लिए तैयार है यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने का फैसला किया गया था उनकी जानी से। दूसरी जानी से हाउस ऑफ ब्लड भी अटैक करने वाली है यहाँ पर, पीछे वाली साइड से आती हुई नजर आ रही है। स्नेक आई ने यहाँ सपोर्ट कर लिया यहाँ पर इनको, थोड़ा घुमाते फिराते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, वैनम को डाउन कर दिया गया स्नेक आई की जानिब से,
होगुता यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन देखना पड़ेगा हाउस ऑफ ब्लड के लिए यहाँ पर जीत पाना आसान है या मुश्किल रहने वाला है। होगुता, होगुता की एचपी कम, होगुता की काफी एचपी कम, यहाँ पर बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं और होगुता यहाँ पर डाउन भी हो सकते हैं, होगुता यहाँ पर डाउन भी हो सकते हैं। मिस्टर डेंजर को डाउन किया गया, होगुता यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। ओ माय गॉड, डैनी द डेंजर मैन भी यहाँ पर मुश्किल का शिकार होते हुए स्नाइपिंग के इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्लेयर को डाउन किया गया है उनकी जानिब से और यहाँ पर होगुता को उठा सकते थे, होगुता को उठा सकते हैं अभी भी, और लेकिन नहीं रिवाइव नहीं किया गया। होगुता को यहाँ पर रिवाइव करते हुए नजर आने वाले हैं डैनी द डेंजर मैन, डैनी द डेंजर मैन गाइस। ओ ब्लैक फॉक्स को यहाँ पर डाउन किया गया है और यहाँ पर मुश्किलात का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं टीम आर स्टार्स के दो प्लेयर्स मौजूद हैं, एक को एजेंट। ओ माय गॉड, शॉट लगा दिए यहाँ पर, लीड आर स्टार्स की हो चुकी है और ऑल्सो ब्लड यहाँ पर तीन राउंड्स के साथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आर स्टार्स लीड के साथ मौजूद हैं, स्नेक आई को डाउन किया गया गाइस, यहाँ पर स्नेक आई मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली स्नेक आई खत्म हो जाएगा यहाँ पर और इस बार आर स्टार्स को मुश्किल होने वाली है क्योंकि आर स्टार्स के मेन और की प्लेयर यहाँ पर स्नेक आई खत्म हो चुके हैं। तीन किल के साथ मौजूद है, होगुता का अटैक आता हुआ नजर आ रहा है, चार्ज मशर का इस्तेमाल, डाउन हो गए यहाँ पर होगुता, डाउन हो चुके हैं और इनके मुकाबले मिमी को भी डाउन किया गया है। डैंग दी डेंजर मैन यहाँ पर दिखाई दे रही है और वैनम पीछे हट रहे हैं, वैनम पीछे हट रहे हैं। अभी तक जो है वो टीम हाउस ऑफ ब्लड को फायदा हुआ था लेकिन अब नुकसान हाउस ऑफ ब्लड को जाता हुआ नजर आ रहे हैं और आर स्टार्स यहाँ पे फायदे में जा रही है। ओ डाउन किया गया यहाँ पर, ओ एक और स्नाइपर का शॉट लगाते हुए नजर आए हैं यहाँ पर डैनी द डेंजर मैन और यहाँ पर वैनम को रिवाइव किया जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर वैनम को रिवाइव करने के लिए आगे तो आए हैं। यार वो अब लगा हुआ है तो अभी नहीं चलेगा, नेक्स्ट मैच में करवा देते हैं अगर एच ओ बी क्वालिफाई करती है। फाइव थ्री की सिचुएशन गाइस, आर स्टार्स वर्सेस हाउस ऑफ ब्लड 5-3 सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। आर स्टार्स ने लीड बना लिए गाइस, अभी तक 3-3 राउंड्स बराबर दिखाई दे रहे थे और अब यहाँ पर लीड में आ चुकी है आर स्टार्स और अब यहाँ पर आर स्टार्स काफी बेटर गेम प्ले करती हुई नजर आ रही है। आपको डैमेज आता हुआ नजर आएगा इस यहाँ पर और आर स्टार्स की बात करेंगे, उनको यहाँ पर सिर्फ 2 राउंड्स की नीड है यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए जहाँ पे उनका मुकाबला साल टी स्पोर्ट के साथ रहने वाला है। ओ डैनी को डाउन किया गया है इस यहाँ पर, डैनी को डाउन किया गया है, होगुता को भी डाउन कर दिया गया है इस यहाँ पर और आर स्टार्स को काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। ओके मिमी ने उनको डाउन किया गया, मिमी अपने प्लेयर्स को बचा सकते हैं यहाँ पर, होगुता को रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर और रिवाइव कर दिया जाएगा। आल स्टार्स के यहाँ पर प्लेयर्स आते हुए नजर आ रहे हैं और 3 प्लेयर्स यहाँ पर और होगुता फिर से डाउन हो चुके हैं गाइस यहाँ पर। होगुता काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आल स्टार्स गाइस। 6-3 की सिचुएशन बना चुके हैं और 6-3 के साथ यहाँ पर आल स्टार्स जीत के करीब है, हाउस ऑफ ब्लड को हराने के करीब है गाइस यहाँ पर। नहीं नहीं सब ऑनलाइन ही है, सब का यहाँ पर जो एच ओ डी का इशू आया है कस्टम एच ओ डी का,
सेटिंग जो है रीसेट हो गई, उसकी वजह से गेम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, ये चीज़ तो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आर स्टार्स के भी इशू आया था, लेकिन आर स्टार्स पूरा प्ले करती हुई नजर आ रही है यहाँ। सब बोल रहा है क्या ही जबरदस्त गेम प्ले आर स्टार की तरफ से देखने मिली है। डैनी अकेले गाइस यहाँ पर मुश्किल है, अब काफी मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि डैनी अकेले यहाँ पर। ओ नहीं भाई, डैनी तो भाई डैनी है लेकिन गाइस यहाँ पर खत्म किया गया है, और हाउस ऑफ ब्लड को यहाँ पर टीम आर स्टार की तरफ से हरा दिया गया। अब सार टीम स्पोर्ट मुकाबला करने वाली है यहाँ पर टीम आर स्टार का, यहाँ पर ये दिखना पड़ेगा। ब्लैक बॉक्स हमें एमवीपी बनते हुए नजर आए हैं भाई जो भी है, लेकिन काफी ज्यादा इशू हुआ है यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर उनके लिए मसला बनता हुआ नजर आ रहा था। ओके गाइस यहाँ पे ओगुता 3 किल के साथ, 4 किल के साथ मीमी, डैनी 8 किल के साथ थे यहाँ पर, और वैनम 5 किल के साथ दिखाई दे रहे थे, जबकि यहाँ पर ब्लैक फॉक्स 15 किल के साथ, एजेंट 2 किल के साथ, 9 किल के साथ, एजे और स्नेक यहाँ पर 4 किल के साथ देखने को मिले हैं। चलेगा इस अगला मैच यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि आर स्टार्स के दरमियान मैच रहेगा, और आर स्टार्स मुकाबला करेगी यहाँ पर टीम साल्ट ईस्पोर्ट का। साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है, और साल्ट ईस्पोर्ट का यहाँ पर लव फ्रॉम पाकिस्तान। सेटिंग का क्या सीन है यार, सेटिंग का पता नहीं क्या चल रहा है। चले गाइस यहाँ पर जो है वो जल्दी से मैच को स्टार्ट करते हैं। साल्ट ईस्पोर्ट आने वाली है गाइस यहाँ पर, साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस गाइस यहाँ पर आर स्टार्स की फाइट रहने वाली है, और जो सी टीम यहाँ पर जीतेगी वो रिंग लीडर के साथ मुकाबला करेगी, फिर उसके बाद हॉट ऑफ ब्लड सॉरी हॉट शॉट के साथ यहाँ पर ग्रैंड फाइनल प्ले किया जाएगा। लव फ्रॉम पीके, अरे भाई चले गाइस जल्दी से लाइक बटन दबा दें जिसने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ। देर तक टीम आ रही है, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, न्यू कैरेक्टर के साथ प्ले कर लेते हैं। ओके
भाई कोई भी नहीं आया क्या? फेस रिवील कर देंगे ब्रो, जल्दी कर देंगे। अगला मैच अभी होने वाला है, वो अभी टीम का वेट आप कर रहे हो। इवी का सीन कर लेते हैं गाइस यार, लाइक तो बढ़ाया करो ना, लाइक तो कर दीजिए। चले गाइस, अरे यार एक बंदा क्यों नहीं आया स्टार्ट का? स्नेक आइट भाई व्हाट्सएप चेक करने गया होगा पक्की बात। यस ऑल स्टार जीत गई थी यार, अब इनका लीव कराना पड़ेगा। बैक करवाना पड़ेगा, एक बंदा ही नहीं आया। Yeah.
अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं गुरु यार सो जा जाके यार मैं क्या करूं कसम से प्रैंक हो रहे हैं बस प्रैंक ही हो जा रहे हैं आज के दिन में ना ये लीग मेरे लिए भारी पड़ गई यार सीरियसली डबल लीफ शिरो व्हेन इट कम्स टू द गार्सियास फुल हैवी वाली भारी पड़ गई गुड बॉय डबल लीफ शिरो व्हेन इट कम्स टू द गार्सियास आई एम द गुड बॉय डबल लीफ शिरो व्हेन इट कम्स टू द गार्सियास आई एम द गुड बॉय डबल लीफ शिरो व्हेन इट कम्स टू द गार्सियास आई एम द गुड बॉय चलो गाइस अभी जल्दी से दोबारा से ज्वाइन कर लें प्लेयर्स गाइस इनकी कस्टम एचडी का इशू आ गया था और दोबारा से गिवे कराओ टूर्नामेंट को छोड़ो वाह सही है यार ये भी ठीक है यार मुझे भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी टीम की एचओडी का इशू आया है एचओडी दोबारा से सेटिंग सेट कर रहे हैं फिर दोबारा से आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम साहब भाई कैसे हो अगले स्ट्रीम कब होगी अगली स्ट्रीम शायद नेक्स्ट वीक हो ब्रो नेक्स्ट वीक कह नहीं सकते लेकिन नेक्स्ट वीक होने के चांसेस है मैचेस के बाद ही गिवे कर सकता हूँ ऐसे तो गिवे मैचेस के ड्यूरिंग तो नहीं कर सकता चलो गाइस टीम आ चुकी है मैच को स्टार्ट कर दिया यहाँ पर ओके गाइस साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस आर स्टार्स के दरमियान यहाँ पे मैच रहने वाला है क्वार्टर फाइनल और सेकंड क्वार्टर फाइनल रहेगा यहाँ पर जहाँ पर टीम जो भी जीतेगी वो सेमीफाइनल प्ले करने वाली है रिंग लीडर के साथ और देखते हैं गाइस क्या सीन रहने वाला है डैमेज दिया जा रहा है साल्ट ईस्पोर्ट के कुरी को डाउन कर दिया गया है साल्ट ईस्पोर्ट मुश्किल का शिकार लेकिन आर स्टार्स के तीन बंदे डाउन हो चुके हैं और कुरी यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं एक ही प्लेयर यहाँ पर रह चुके हैं आर स्टार्स के जो कि स्नेका ही रहेंगे और स्नेका यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं आई डोंट नो यहाँ पर स्नेका क्या कर रहे हैं लेकिन हाँ स्नेका यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं और स्नेका को स्पोर्ट कर लिया गया है और साल्ट ईस्पोर्ट ने यहाँ पर शुरुआत एक अच्छी दे दी है यहाँ रिक्वेस्ट ले लो गुरु ले लो यार रिक्वेस्ट वाले सीन जो है ना बड़े मौके मेरे लिए
ओके गाइस, साल टी स्पोर्ट यहाँ पर एक राउंड अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है। साल टी स्पोर्ट सबसे ज्यादा स्टार चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और 1-0 की सिचुएशन गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्या ही जबरदस्त गेम प्ले, साल टी स्पोर्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और आज स्टार्स भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रही है। ओके, ब्लैकी की स्पोर्ट आ रही है, खुरी की स्पोर्ट आ रही है, देखते गाइस यहाँ पर कौन कितना अच्छा प्ले करता हुआ नजर आता है और कौन यहाँ पर जीत कर जाता हुआ नजर आता है। आज स्टार्स ने हाउस ऑफ ब्लड को हराया है तो यहाँ पर साल्ट ई स्पोर्ट के लिए भी खतरा बन सकता है, लेकिन साल्ट ई स्पोर्ट काफी पुरउम्मीद दिखाई दे रही है और यहाँ पर आज स्टार्स को हराने के लिए तैयार है। चले देखते गाइस यहाँ पर वॉट शॉट से 6-6 राउंड के बाद हारती हुई नजर आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो कम बैक किया गया है इनकी तरफ से और पहला मैच विन किया गया है यहाँ पर टीजी की तरफ से और अब यहाँ पर जो है वो मुकाबला करती हुई नजर आ रही है आज स्टार्स का। तो देखते गाइस यहाँ पर कौन बाजी लेके जाता है। आज स्टार्स के ब्लैक बॉक्स एजेंट मिस्टर एजे और स्नेक आई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर साल टी स्पोर्ट की बात करते हैं तो स्काई टी स्पोर्ट की तरफ से केटीन, साइक और खुरी दिखाई दे रहे हैं और ब्लैक हॉक बैक साइड पर मौजूद है। नहीं, एच ओ अभी अब बाहर हो गई है, तो एच ओ भी दो मैचेस आ गई, कल भी एक मैच आ रही थी हाउस ऑफ हॉट शॉट से और आज भी एक मैच आ रही है। यहाँ पर 1-0 की सिचुएशन है और साल्ट ईस्पोर्ट के प्लेयर यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं और अभी यहाँ पर जो है वो राउंड देखना पड़ेगा किसकी जानिब जाने वाला है। पहला राउंड यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट अपने नाम करने में कामयाब हुई है। ओके गाइस, साल्ट ईस्पोर्ट ये भी राउंड अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। साइक 3 किल करते हुए नजर आए हैं। 2-0 की सिचुएशन गाइस यहाँ पर है आज स्टार्स वर्सेस गाइस साल्ट ईस्पोर्ट की। ये फाइट में यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट को फायदा आता हुआ नजर आ रहा है। दो राउंड अपने नाम कर चुकी है आज स्टार्स को, काफी नुकसान यहाँ पर जाता हुआ नजर आया है। हाउस ऑफ ब्लड को हराया यहाँ पर आज स्टार्स ने, तो यहाँ पर आज स्टार्स से उम्मीद तो की जा सकती है कि उनका एक अच्छा कमबैक और एक तगड़ी गेम प्ले उनकी तरफ से देखने को मिले, बट अभी तक जो है वो साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर जो है वो फायदे में जा रही है। ओके, साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, कुरी हमें दिखाई दे रही है, रश कर दिया गया है, कुरी को आते ही डाउन किया यहाँ पर। साल्ट ईस्पोर्ट के प्लेयर भी ऊपर साइड से यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं और साल्ट ईस्पोर्ट के एक प्लेयर केटीन यहाँ पर आ चुके हैं करीब और अब देखना पड़ेगा। ब्लैक वॉक और साइक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, केटीन का यहाँ पर शॉट आया है, एक स्नेक आई को डाउन कर दिया यहाँ पर केटीन ने, स्नेक आई को डाउन किया गया है। ब्लैक फॉक्स को भी एक शॉट और ब्लैक फॉक्स को भी डाउन। केटीन काफी तगड़ा खेल रहे हैं यहाँ पर, दो प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं। ओके, बैक साइड से ब्लैकी को डाउन किया गया यहाँ पर मिस्टर एजे की जानिब से, साइक पहुंचे हैं यहाँ पर करीब और साइक को भी डाउन कर दिया गया। अब बचे हैं यहाँ पर के18 के लिए बचे हैं यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट की जानिब से। यहाँ पर देखना पड़ेगा साल्ट ईस्पोर्ट नीचे से शॉट आता हुआ नजर आ रहे और एक शॉट लग चुका है यहाँ पर। ओ, डाउन किया यहाँ पर केटीन ने और काफी जबरदस्त यहाँ पर जो है वो गेम प्ले देखने को मिली है साल्ट ईस्पोर्ट के केटीन की जानी पे। भाई क्वाड्रा है यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट के केटीन का, क्वाड्रा लगा पाएंगे? एग्जैक्टली यहाँ पर क्वाड्रा लगता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन एजेंट ने खत्म किया। केटीन तीन बंदों को खत्म कर चुके थे लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। ओके ब्रो, लोस्ट पीएस के नाम से डन है, बेहतरीन सीरीज।
यार रात को इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि रात को दो तीन फाइनल्स हैं तो टीम्स वहां पे बिजी हैं, इस वजह से अभी मैचेस हो रहे हैं, रात को नहीं करवा सकते, रात को टीम्स बिजी हैं। ओके गाइस, यहां पर आर स्टार्स है, टीम स्टार टी स्पोर्ट है यहां पर, और आर स्टार्स को फायदा होता हुआ दिखाई दिया है पिछले राउंड में, और आल स्टार्स यहां पर हाउस ऑफ ब्लड को हराने के बाद स्टार टी स्पोर्ट को हराती हुई नजर आएगी, ये देखना पड़ेगा। चांसेस तो है यहाँ पर इनके क्योंकि काफी अच्छी गेम प्ले करते हुए नजर आ रही है। ओके, साइक को डाउन किया गया, स्नेक आई भी डाउन हो चुके हैं, एक प्लेयर निकल कर आते हुए नजर आ रहे हैं, एमटेन का इस्तेमाल लेकिन नहीं, एजेंट को डाउन किया गया है, मिस्टर एजे की एचपी कम है, मिस्टर एजे अकेले रह चुके हैं, मिस्टर एजे अकेले रह चुके हैं यहाँ पर, आस पास के स्नेक आई को हील करेंगे यहाँ पर, ये देखना पड़ेगा। ओके, केकेटीन के शॉट आते हुए रिवाइव कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं, केकेटीन ने प्लेयर को मुकम्मल कर दिया है यहाँ पर। टीम स्टार टी स्पोर्ट के तीन प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पर आज स्टार के सिर्फ मिस्टर एजे रह चुके हैं। ओके, ब्लैक ही यहाँ पर ये राउंड भी निकाल के देंगे टीम के लिए, और 3-1 सिचुएशन गाइज यहाँ पर दिखाई दे रही है, 3-1 सिचुएशन गाइस यहां पे दिखाई दे रही है, टीम साल टी स्पोर्ट यहां पर लीड बना चुकी है और आज स्टार्ट को मुश्किल में डाल दिया है यहां पर। ओके गाइस, आल स्टार्स के एक प्लेयर स्नेक आई फिर से डाउन हो चुके हैं यहाँ पर पहले ही, और नुकसान जाएंगे, साइक आए हैं यहाँ पर, साइक ने आल स्टार्स के एक प्लेयर को डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा केकेटीन आते हुए नजर आ रही है, केकेटीन की काफी कम एचपी रह चुकी है। ओके, केकेटीन को भी डाउन किया गया है, अब यहाँ पर अकेले रह चुके हैं ब्लैकी, ब्लैकी अकेले रह चुके हैं, खुरी को हील करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ग्लू वॉल लगा दी गई है, करीब आने की कोशिश, और यहाँ पर रिवाइव कर रहे हैं, शॉट लग चुका है, क्रोनो का अच्छा इस्तेमाल, और ये ले गाइस यहाँ पर टीम आल स्टार्स का भी कमबैक, और 2-3 की सिचुएशन के साथ कमबैक करती हुई नजर आ रही है। ओके ब्रो, यार ब्रो आप जितना स्पैम कर रहे हो ना यार, सॉरी रोली X9। ओके गाइस, यहां पर स्टार टी स्पोर्ट के एक प्लेयर को डाउन किया गया है यहां पर, और आगे रश किया जा रहा है, एजेंट डाउन हो चुके हैं, एक और प्लेयर को डाउन किया गया है यहां पर ब्लैक फॉक्स की नानी से, और ब्लैक फॉक्स आज बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, 2v2 की सिचुएशन है गाइस यहां पर, 2v2 की सिचुएशन, 2v2 की सिचुएशन, ब्लैक फॉक्स को भी डाउन, स्नेक आई को भी डाउन, एजेंट को भी डाउन, मिस्टर एजे रह चुके हैं, मिस्टर एजे यहाँ पर रिवाइव करते हुए नजर आने वाले हैं। ओ साइक का शॉट आया, 4-2 के साथ यहाँ पर साल टी स्पोर्ट यहाँ पर मुश्किल में डालती हुई नजर आएगी, साल टी स्पोर्ट यहाँ पर 4-2 के साथ लीड में आ चुकी है गाइस, यहाँ पे लीड में आ चुकी है। बहुत ही अच्छी गेम प्ले गाइस यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेम प्ले। Thank you.
ओके गाइस यहां पर रश किया गया है टी स्पोर्ट की, एक प्लेयर की टीम डाउन हो चुकी है। साइक की बात करेंगे, साइक 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 शॉट, एक और प्लेयर को डाउन किया। ओके साइक को डाउन हो चुके हैं यहां पर, लेकिन यहां पर कुरी आ चुकी है, कुरी यहां पर काफी से शॉट, एक और प्लेयर को डाउन करते हुए कुरी यहां पर दिखाई देने वाली है। अब रह चुके हैं स्नेक आई अकेले, स्नेक आई अकेले रह चुके हैं। स्नेक आई का आप यहाँ पर कुछ कर पाना थोड़ा नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। बेशक यहाँ पर एच पी कम है प्लेयर्स की, लेकिन प्लेयर सारे मौजूद है यहाँ पर, रिवाइव कर रहे हैं यहाँ पर, रिवाइव कर दिया भाई यहाँ पे करीब से मौजूद थे। ओके स्नेक आई गेम बदल रहे हैं यहाँ पर, ओ साइक ने सही फैसला किया यहाँ पर, थोड़ा सा पीछे हट गए थे और उसी का यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आया और यहाँ पर उन्होंने प्लेयर को खत्म कर दिया। क्या ही जबरदस्त गए साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर 5-2 की सिचुएशन बना चुकी है, 5-2 की सिचुएशन यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट बना चुकी है। खाते में जाता हुआ 6-2 की सिचुएशन गाइस यहां पर, 6-2 की सिचुएशन यहां पे दिखाई दे रही है भाई। क्या ही लीड बनाई है यहां पर, क्या ही जबरदस्त गेम प्ले यहां पर देखने को मिली है। साल्ट ईस्पोर्ट यहां पर टीम आस्टार्स को हराने के लिए तैयार है और सेमीफाइनल में जाने के लिए तैयार है, सेमीफाइनल में जाती हुई नजर आ सकती है यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट एक राउंड जीतने के साथ साथ यहाँ पर, जिनका मुकाबला यहाँ पर आज रहने वाला है रिंग लीडर्स के साथ, रिंग लीडर्स वर्सेस यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट के प्लेयर्स आगे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके स्ट्रेटेजी की एचपी कम और ये शॉट लग चुका है यहाँ पर, डाउन करेंगे ब्लैक स्पॉक्स यहाँ पर, लेकिन नहीं 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 यहाँ पर साइक की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर घूम कर आए। ओके साल्ट ईस्पोर्ट 7-2 के साथ यहां पर हराती हुई नजर आई है टीम आज स्टार्सपोर्ट, ये राउंड अपने नाम करने के साथ साथ मैच विन करती हुई नजर आएगी और साइक हमें एमवीपी नजर आएंगे साल्ट ईस्पोर्ट की जानी से। साल्ट ईस्पोर्ट बहुत तगड़ा प्ले की और तगड़ा गेम प्ले के साथ साथ यहां पर मैच को जीतती हुई नजर आई, 7-2 के साथ यहां पर मैच को विन कर लिया गया। और गाइस यहां पर जो है वो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ, जहां पर साल्ट ईस्पोर्ट का मुकाबला रहने वाला है टीम रिंग लीडर्स के साथ। ओके गाइस यहाँ पर रिंग लीडर्स के प्लेयर मौजूद हैं क्या मलिक, चले गाइस आज स्टार्ट वर्सेस यहाँ पर रिंग लीडर होने वाला है सेमीफाइनल और इनमें से जो जीतेगी वो मुकाबला करेगी ग्रैंड फाइनल में हॉट शॉट का, ग्रैंड फाइनल में हॉट शॉट का मुकाबला करती हुई नजर आने वाली है जो भी यहां पर जीतेगी। जो भी यहां पर जीतेगी वो यहां पर जो है वो
मुकाबला करेगी हॉट शॉट का, और अभी देखना पड़ेगा रिंग लीडर्स वर्सेस गाइस यहाँ पर क्या बाजी लेकर जाने वाली है, या फिर आल साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर बाजी लेकर जाने वाली है। Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. स्टार्स यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, सॉरी रिंग लीडर्स यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। ऑल स्टार्स यहाँ पर लीग से बाहर हो चुकी है, टीम हाउस ऑफ ब्लड लीग से बाहर हो चुकी है, डीपी अगॉन डीपी यहाँ पर लीग से बाहर हो चुकी है, और फाइव म्यूटेंट्स यहाँ पर लीग से बाहर हो चुकी है। तीन टीमें रह चुकी हैं जो में से चैंपियन बनेगा, साल्ट ईस्पोर्ट, रिंग लीडर्स और हॉट शॉट। ये तीन टीमों में से एक टीम यहाँ पर चैंपियन बनने वाली है। देखते गाइस कौन सी टीम यहाँ पर चैंपियन बनती है और कौन सी टीम वो रहने वाली है। गुरुभाई कस्टम एचओडी रीसेट हो रही है, क्यों ग्लिच तो नहीं हुआ यहाँ, सिर्फ मेरी हो रही है? ग्लिच हुआ सबके साथ, आपके अकेले की नहीं हुई, बाकियों की भी हुई है। रिंग लीडर का क्या बना? रिंग लीडर अब मुकाबला करने वाली है साल्ट ईस्पोर्ट के साथ। साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर हरा चुकी है और साल्ट ईस्पोर्ट का मुकाबला रहेगा यहाँ पर रिंग लीडर्स के साथ, और रिंग लीडर्स और साल्ट ईस्पोर्ट में से जो जीतेगा वो हॉट शॉट के साथ ग्रैंड फिनाले खेलता हुआ नजर आएगा। जो भी जीतेगा यहाँ पर उसका लास्ट में ग्रैंड फिनाले रहेगा यहाँ पर, और देखेंगे गाइस यहाँ पर कौन बाजी लेके जाता है ग्रैंड फिनाले में। लेकिन फिलहाल के लिए साल्ट ईस्पोर्ट और रिंग लीडर का मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है। पढ़ तो लो मैसेज, ले लो रिक्वेस्ट, निक हैदर की ऑनलाइन है प्लीज। यार अभी नहीं ले सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, रिक्वेस्ट नहीं ले सकता हूँ, इसलिए भी नहीं रिक्वेस्ट। Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy.
चलो गाइस यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है और साल्ट ईस्पोर्ट मुकाबला करने वाली है यहाँ पर टीम साल्ट ईस्पोर्ट मुकाबला करने वाली है यहाँ पर रिंग लीडर्स का और देखते हैं गाइस यहाँ पर रिंग लीडर्स और साल्ट ईस्पोर्ट में से कौन बाजी लेके जाते हैं। जो जीतेगा गाइस यहाँ पर वो ग्रैंड फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा हॉट शॉट के साथ और चैंपियन बनता हुआ नजर आएगा सीएस दंगल का यहाँ पर। टीम्स आ चुकी हैं ओके साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस रिंग लीडर गाइस यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट के यहाँ पर जो है वो जो भी मैच यहाँ पर जीतने वाला है सेमीफाइनल रहने वाला है और जो भी मैच यहाँ पर जीतेगा वो फाइनल में प्ले करेगा हॉट शॉट के साथ। हॉट शॉट वेट कर रही है यहाँ पर कि कौन सी टीम यहाँ पर चैंपियन बनेगी सॉरी फाइनल में पहुंचेगी और उनके साथ उनका मुकाबला रहेगा। जेस्टर यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं बोस यहाँ पर है एसेटॉस है यहाँ पर और जालिम प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं साल्ट ईस्पोर्ट की तो केकेडीन है यहाँ पर ब्लैक हॉक है साइक है और खुरी यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। चले गए यहाँ पर सेमीफाइनल मैच है और देखते गए यहाँ पर क्या सीन होता है इस सेमीफाइनल मैच में साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस यहाँ पर रिंग लीडर्स चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साल्ट ईस्पोर्ट के ब्लैक फॉक्स है यहाँ पर खुरी को डाउन किया गया गाइस यहाँ पर रिंग लीडर्स की जानिब से खुरी यहाँ पर जो है वो डाउन कर दिए गए हैं और यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट को नुकसान हो सकता है यहाँ पर क्योंकि चार प्लेयर्स हैं रिंग लीडर्स के और तीन प्लेयर्स यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट के दिखाई दे रहे हैं। जेस्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साइक को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया गया है साइक भी डाउन कर दिए गए खुरी भी डाउन है साइक भी डाउन है और यहाँ पर रिंग लीडर जेस्टर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं कि केटीन भी डाउन कर दिए गए हैं। ब्लैक फॉक्स अकेले रह चुके हैं यहाँ पर सॉरी ब्लैक हॉक यहाँ पर अकेले रह चुके हैं और यहाँ पर रिंग लीडर्स की जानिब से टीम साल्ट ईस्पोर्ट को पहला नुकसान होता हुआ दिखाई देगा और 1-0 की सिचुएशन के साथ साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर खतरे में जाती हुई नजर आ रही है। जोन सी टीम यहाँ पर जीती हुई नजर आएगी वो यहाँ पर फाइनल प्ले करेगी टीम हॉट शॉट के साथ। टीम हॉट शॉट वर्सेस गाइस यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर रिंग लीडर। तो यहाँ पर रिंग लीडर्स ने पहला राउंड निकाल लिया है काफी अच्छी शुरुआत दे दी है काफी जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या इसी चीज को कंटिन्यू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा ये यहाँ पर पता चलने वाला है। और फिलहाल के लिए साल्ट ईस्पोर्ट के केकेडीन आगे बढ़ रहे हैं ब्लैक बॉक्स है यहाँ पर साइक एंड पूरी यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। रिंग लीडर्स की बात करते हैं तो जेस्टर यहाँ पर मौजूद है और जेस्टर के साथ यहाँ पर बोस मौजूद है और एसेटॉस मौजूद है यहाँ पर और जालिम प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। गुरु भाई सो गए यार नहीं जाग रहा हूँ यार आवाज नहीं आ रही। यार एचओडी का काफी ज्यादा इशू आया है काफी ज्यादा इशू आया है टीम्स को काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं लेकिन खैर अभी जो है वो वापसी हो रही है। चलो गाइस 1-0 की सिचुएशन है रिंग लीडर्स यहाँ पर एक राउंड निकालने में कामयाब हो चुकी है। साल्ट ईस्पोर्ट की बात करते हैं सामने दिखाई दे रही है साल्ट ईस्पोर्ट के केकेटीन को यहाँ पर एक शॉट लगा है और नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आया यहाँ पर उनको होल्ड किया जा रहा है। रिंग लीडर वर्सेस यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट का यहाँ पर मैच चलता हुआ दिखाई देगा। ब्लैक बॉक्स यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं वेट कर रहे हैं यहाँ पर
आज करवाऊंगा मैं मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. अच्छा पाक वर्सेस इंडिया यार जल्दी करवाएंगे इंशाल्लाह. गाइस ये लीग खत्म हो जाएगी आज इंशाल्लाह, और इसके बाद जो है वो शायद सुपर स्कीम नेक्स्ट वीक ना हुई तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि पाक वर्सेस इंडिया जो है वो आप लोगों के लिए करवाया जाए. ओके गाइस ब्लैक फॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सामने जालिम मौजूद है. अगर बात करते हैं रिंग लीडर के जेस्टर की यहाँ पर प्ले कर रहे हैं बोस हैं ऐसे टॉस हैं यहाँ पर जालिम प्ले कर रहे हैं यहाँ पर. और लेट्स सी गाइस यहाँ पर जो है वो टीम रिंग लीडर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी. रिंग लीडर्स का मुकाबला यहाँ पर टीम साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान में नेक्स्ट वर्सेस जो है वो अच्छा सही है ये बोर्ड का करवाओ. ओके यहाँ पर ख़त्म किया गया जेस्टर को ब्लैक बॉक्स की जानी से. बॉस यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हुए हैं लेकिन नहीं खुरी का यहाँ पर शॉट लग चुका है. ओके बैक साइड से एक और प्लेयर आते हुए नजर आए हैं और नुकसान हो सकता है. अपने प्लेयर को रिवाइव किया जा रहा है साल्ट ईस्पोर्ट के दो बंदे रह चुके हैं जबकि यहाँ पर जो है वो सामने से तीन बंदे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर टीम जो है वो प्ले किए हैं यहाँ पर ऐसे टॉस ने और सामने से साल्ट ईस्पोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है. जालिम की बात करेंगे उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और जालिम को यहाँ पर सपोर्ट कर लिया गया है. शायद यहाँ पर शॉट लग जाए. 9 का डैमेज 20 का डैमेज और बिल्कुल डाउन कर दिया यहाँ पर. KK team काफी अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर. रिंग लीडर्स के दो प्लेयर्स यहाँ पर रह चुके हैं और दो ही प्लेयर्स यहाँ पर जो है हमारे साथ साल्ट ईस्पोर्ट के हैं. सेमीफाइनल चलता हुआ नजर आ रहे हैं. अगर रिंग लीडर्स हारती है तो यहाँ पर बाहर हो जाएगी और साल्ट हारती है तो बाहर हो जाएगी. लेकिन अगर जो जीतेगी यहाँ पर वो हॉट शॉट के साथ फाइनल प्ले करेगी. फाइनल काफी हद तक कहा जा रहा था साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस यहाँ पर रहने वाला है हॉट शॉट के दरमियान. तो साल्ट ईस्पोर्ट अगर ये मैच जीती है तो चांसेस बढ़ सकते हैं. डाउन कर दिया ऐसे टॉस ने यहाँ पर यहाँ पर ब्लैक फॉक्स को. KK team की बात करेंगे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और KK team की बात करेंगे यहाँ पर 1v1 की सिचुएशन है. 1v1 की सिचुएशन है गाइस यहाँ पर. भाई KK team ऑन फायर. ये राउंड भी दिलवाया है अपनी टीम को यहाँ पर और ये राउंड जाएगा यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट के नाम. 2-1 की सिचुएशन व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड सेमीफाइनल को जीतने के लिए तैयार है यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट और मुकाबला भी साल्ट ईस्पोर्ट का हॉट शॉट के साथ रहने वाला है ग्रैंड फाइनल में. पोल लगा दूं पोल यार. गाइस यहां पर देखते हैं साल्ट ईस्पोर्ट दो राउंड के साथ यहां पर एक राउंड की लीड के साथ यहां पर मौजूद है और दो राउंड जीत लिए यहां पर और रिंग लीडर सुपर वाइल्ड साइड पर होल्ड करती हुई नजर आ रही है. यहां पर बुला देना टीम कोर से बुला देना और फिर मैं लीड पास दे दूं. नीचे वाली साइड पे आ चुकी है रिंग लीडर और साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर मौजूद है. ऐसे टॉस डाउन हो सकते हैं यहाँ पर.
डेफ ऑफ डाउन हो चुके हैं यहाँ पर, सार्ज के साइक यहाँ पर रह चुके हैं, सार्ज के साइक आए हैं, ओ साइक को भी डाउन कर दिया गया यहाँ पर। रिंग लीडर के दो बंदे हैं यहाँ पर और शॉट एक और प्लेयर को डाउन किया, लेकिन नहीं यहाँ पर रिंग लीडर्स यहाँ पर ये राउंड अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। 2v2 की सिचुएशन गाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाई ऊपर से कवर दिया जा रहा है यहाँ पर जालिम की तरफ से, जो कि काफी खतरनाक साबित हुए हैं यहाँ पर टीम साल्ट ईस्पोर्ट के एक प्लेयर के लिए। और जालिम अब ऊपर साइड पे देखने को मिल रहे हैं कि हिटिंग की बात करेंगे वो यहाँ पर मौजूद है। ये राउंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिंग लीडर्स के हाथ से जा सकता है। खुरी यहाँ पर मौजूद है, लेट्स सी गाइस यहाँ पर 2v2 की सिचुएशन दिखाई दे रही है और जालिम यहाँ पर अकेले रह चुके हैं टीम रिंग लीडर से। करना क्या चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पर जोन तो नहीं लगने वाला, नीचे आके लड़ना ही पड़ेगा, यहाँ पर जोन तो लगने नहीं वाला। रिंग लीडर के जालिम यहाँ पर अभी तक होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, केटीन की बात करेंगे वो यहाँ पर नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज 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 जालिम को काफी ज्यादा डैमेज दिया गया, लेकिन साल्ट के ये प्लेयर दोबारा रिवाइव कर दिए जाएंगे। जालिम को खत्म कर दिया जाएगा और यहां पर ये राउंड जाएगा साल्ट ईस्पोर्ट के नाम। गाइस यहाँ पर 2-3 की सिचुएशन है, साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर लीड बना चुकी है, 3 राउंड्स यहाँ पर उनके हो चुके हैं और 2 राउंड्स यहाँ पर टीम रिंग लीडर के दिखाई दे रहे हैं।
First Blood. ओके गाइस, यहाँ पर रिंग लीडर्स को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 4-3 की सिचुएशन हो गई है, लीड फिर से बननी स्टार्ट हो चुकी है रिंग लीडर्स की जानिब से, और साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस रिंग लीडर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कह रही है, लीड पास या कुछ भी, मुझे भी टीम कोड से बुलाना, 100K हो गए हैं। अच्छा, ये आज के लास्ट मैचेस होंगे। हाँ, ये लास्ट मैचेस है। नहीं यार, लाइफ कंप्लीट करवाओ जल्दी। बिल्कुल एग्जैक्टली यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, रश में ज़्यादा आएगा रश। अब ये लिमिटेड है तो लिमिटेड एमओ में तो ब्रो ऐसे ही खेला जाता है, क्योंकि इतनी ग्लूवाल्स नहीं होती कि आप रश गेम प्ले करो और ग्लूवाल्स के साथ कवर बनाते रहो, तो इसमें तो ऐसा ही रहता है सीन। लेकिन खैर, यहाँ पर जो है वो 4-3 सिचुएशन है गाइस, यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट को जीतने के लिए और फाइनल में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो है इस मैच को जीतना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पर बॉस है, यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, साल्ट ईस्पोर्ट और वर्सेस गाइस यहाँ पर जब रिंग लीडर प्ले करते हुए दिखाई दे रही है। यूट्यूब भाई, मेरी आईडी स्कैम हो गई है। अरे ब्रो, कैसे स्कैम हो गई, कैसे, किसने कर ली स्कैम, किसने स्कैम की और कैसे स्कैम हो गई ब्रो। रिंग लीडर रश नहीं कर सकती क्या यार, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रही, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के लिए उनकी तरफ से तो होल्ड ही किया जा रहा है। साल्ट ईस्पोर्ट वाले भी खामोश खड़े हैं यहाँ पर। 4-3 सिचुएशन है और रिंग लीडर्स की लीड यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं, शॉट लगाए गए हैं साइक की तरफ से। साइक अच्छे शॉट लगाने में कामयाब, लेकिन साइक डाउन हो जाएगी यहाँ पर। ओके, कुरी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, कुरी गेस पिकअप हुई थी यहाँ पर, ग्लू वॉल ब्रेक की गई है यहाँ पर। ओके, ऐसे तो उसको शॉट, एक और प्लेयर राउंड किए गए यहाँ पर। भाई अच्छा खेल रही है यहाँ पर साल्ट ईस्पोर्ट, साल्ट ईस्पोर्ट ये राउंड निकाल सकती है। यहाँ पर प्लेयर्स इनके पास ज्यादा है, जोन में आना पड़ेगा, यहाँ पर जोन में आना पड़ेगा। एक प्लेयर डाउन, एक प्लेयर को डाउन किया गया, बैक साइड पे प्लेयर है और ये लेगा इस यहाँ पर रिंग लीडर। ये राउंड भी अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है 5-3 के साथ। रिंग लीडर यहाँ पर 5-3 की सिचुएशन बना चुकी है और यहाँ पर जीत के चांसेस बढ़ चुके हैं रिंग लीडर्स के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। रिंग लीडर वर्सेस यहाँ पर हॉट शॉट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, लेकिन अगर साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर कम बैक करती है तो साल्ट ईस्पोर्ट मुकाबला करेगी। मैं वापस आ गया, वेलकम ब्रो।
यार अनबैन तो नहीं होती ब्रो, आईडीएन बैन होती ही नहीं है, ये तो झूठ है कि भाई कोई कह के अनबैन होती है। गाइस 5-3 की सिचुएशन है यहाँ पर, रिंग लीडर के एक और प्लेयर को डाउन किया गया, सार्ट ईस्पोर्ट कमबैक करती हुई नजर आ रही है। रिंग लीडर्स के अगर प्लेयर्स की बात करते हैं तो रिंग लीडर्स के यहाँ पर जो है वो हमारे साथ दो प्लेयर्स रह चुके हैं। ऐसे टॉस है यहाँ पर और जालिम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस साल्ट ईस्पोर्ट का फाइनली कमबैक आ चुका है यहाँ पर, 4-5 सिचुएशन हो चुकी है, 4-5 सिचुएशन हो चुकी है गाइस, सेमीफाइनल मैच चलता हुआ नजर आ रहे हैं और यहाँ पर फाइनल प्ले किया जाएगा जो भी विन करेगा। भाई सैड नहीं हो आप, यूटो भाई इंशाल्लाह साल्ट विन करेगी। चलो देखते हैं गाइस साल्ट ईस्पोर्ट का कमबैक तो आ रहा है, क्या साल्ट ईस्पोर्ट विन करती हुई नजर आ सकती है। साल्ट ईस्पोर्ट के ब्लैक हॉक्स डाउन हो चुके हैं, उनके की प्लेयर यहां पर डाउन हो चुके हैं, उनका यहां पर रिवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर रहने वाला है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, रिवाइव करना चाहिए इनको यहाँ पर। रिंग लीडर गाइस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर KK-Teen की बात करेंगे, KK-Teen यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और साइक को डाउन किया गया गाइस, यहाँ पर साइक डाउन हो चुकी है और रश आता हुआ साल्ट के और प्लेयर डाउन, लेकिन नहीं गाइस साल्ट ईस्पोर्ट वर्सेस गाइस यहाँ पर टीम रिंग लीडर चलता हुआ नजर आ रहे हैं साल्ट ईस्पोर्ट के, KK-Teen रह चुके हैं, रिवाइव कर दिया गया है, 3v1 की सिचुएशन है गाइस यहाँ पर, 3v1 की सिचुएशन है। कि KK-Teen की बात करेंगे यहाँ पर चार्ज बस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर जो ग्लोवर में कॉफी डाला है फिर बात करके, गुरु भाई क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो ब्रो? ओके निकल कर आए लेकिन नहीं गाइस, रिंग लीडर्स यहाँ पर ये राउंड भी अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है, 6-4 की सिचुएशन के साथ रिंग लीडर लीड में है यहाँ पर और एक राउंड और चाहिए यहाँ पर रिंग लीडर्स को फाइनल प्ले करने के लिए हॉट शॉट के साथ। भाई ये तो वही स्टार्टिंग वाला ही सेमीफाइनल सीन हो गया, लेकिन हाँ कमबैक तो किया है यहाँ पर रिंग लीडर्स ने और इम्प्रूव किया है अपने आप को। साल्ट ईस्पोर्ट काफी नीचे से ऊपर आई है लेकिन उसके बावजूद भी रिंग लीडर्स को हराने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अगर साल्ट ईस्पोर्ट यहाँ पर हारती है तो रिंग लीडर यहाँ पर हॉट शॉट के साथ ग्रैंड फाइनल प्ले करती हुई नजर आएगी। गुरु भाई HOB फाइनल प्ले करेगी नहीं, हॉट शॉट फाइनल प्ले करेगी। HOB अपने दोनों मैचेस हार चुकी है और लीग से बाहर हो चुकी है, यहाँ पे हॉट शॉट फाइनल में है और इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल प्ले करेगी हॉट शॉट के साथ। वैसे सीन है यहाँ पर, रिंग लीडर्स यहाँ पे करीब है जीत के और
रिंग लीडर के पास रिवेंज लेने का टाइम आ जाएगा यहाँ पर, जो कि हॉट शॉट से लास्ट टाइम 6-7-1 से आ रही थी, और इस बार देखेंगे कि क्या रिवेंज लिया जाएगा और हॉट शॉट को हराया जाएगा यहाँ पर। KKTN आ चुके हैं, KKTN आ चुके हैं, सुपर ब्रेक की जा रही है, प्लेयर नीचे जा चुके हैं, और जेस्टर की बात करेंगे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जेस्टर को शॉट लग चुका है यहाँ पर चार्ज बस्टर का, और चार्ज बस्टर से भैया बॉल ऐसे गायब होती है जैसे भाई क्या क्या ही बोले बंदा। और जेस्टर एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब, सार्टी स्पोर्ट यहाँ पर मौजूद है, कवर किया जा रहा था और कवर मिला जिसका फायदा हुआ, जेस्टर यहाँ पर जो है काफी फायदे में जाते नजर आए। ये राउंड जीता गया तो यहाँ पर जो है वो साल टी स्पोर्ट हार जाएगी और यहाँ पर रिंग लीडर क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए। नहीं नहीं नहीं, फाइनल का एक ही मैच होगा। अकेले हैं यहाँ पर। Oh my God, 6-5 के साथ अभी भी साल्ट ईस्पोर्ट इस गेम में बाकी है। गाइस यहां पर देखते हैं रिंग लीडर वर्सेस साल्ट ईस्पोर्ट की यहां पर फाइट चलती हुई नजर आ रही है आज के सेमीफाइनल में, और इस सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो फाइनल प्ले करेगा हॉट शॉट के साथ। गाइस 6-5 सिचुएशन यहां पर रिंग लीडर्स वर्सेस गाइस यहां पर साल्ट ईस्पोर्ट, जो जीतेगा वो फाइनल प्ले करता हुआ नजर आने वाला है यहां पर। जेस्टर दिखाई दे रहे हैं, बोस है यहाँ पर, एस्टर टॉस है यहाँ पर, जालिम प्ले कर रहे हैं। साल्ट ईस्पोर्ट की बात करते हैं, KKTN है, ब्लैक हॉक है, साइक है, और साल्ट के खुरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। फाइनल आज ही होगा, फाइनल आज ही होगा। और जेस्टर को डाउन किया गया, बहुत अकेले रह चुके हैं। साल्ट ईस्पोर्ट का क्या ही कमबैक आया भाई यहाँ पर, 6-6 सीज कर दिया साल्ट ईस्पोर्ट ने यहाँ पर रिंग लीडर के मुकाबले में। रिंग लीडर के मुकाबले में साल्ट ईस्पोर्ट ने 6-6 सीज कर दिया यहाँ पर, और देखते गाइस यहाँ पर क्या बनता है। 6-6 राउंड बराबर हो चुके हैं यहाँ पर। छह राउंड यहां पर बराबर हो चुके हैं गाइस। अब देखना पड़ेगा यहां पर ये सेमीफाइनल किसके नाम जाने वाला है, क्या साल्ट ईस्पोर्ट बाजी लेके जाएगी या फिर रिंग लीडर ये बाजी लेके जाएगी, और जो जीतेगा गाइस वो क्वालिफाई कर जाएगा यहां पर फाइनल के लिए और हॉट शॉट के साथ मुकाबला करती हुई नजर आएगी। ऑल स्टार से पहला मैच हारी थी हॉट शॉट से, सेकंड मैच हारी है ऑल स्टार से।
यार कस्टम एचओडी का काफी इशू आया था जिसकी वजह से टीम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई मेरा ख्याल है आज स्टार्ट के मुकाबले। गाइस 6-6 राउंड्स बराबर हैं आज स्टार्स वर्सेस रिंग लीडर्स गाइस यहां पर ओ सॉरी सार टी स्पोर्ट वर्सेस यहां पर रिंग लीडर्स 8 किल के साथ जेस्टर मौजूद है 4 किल के साथ बोस है एस्ट्रोटॉस 8 किल के साथ है 10 किल जालिम के यहां पर और अगर सार टी स्पोर्ट की बात करते हैं तो 7 किल के साथ है यहां पर के 3 8 किल के साथ ब्लैक होक है 4 किल के साथ साइक है और यहां पर 10 किल के साथ मौजूद है खुरी। चलो गाइस यहाँ पर देखते हैं निकल कर आए साइक की एचपी काफी कम हुई लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पर। ओके एस्टर टॉस डाउन है यहाँ पर दूसरी जानी साइक डाउन है ओके सार टी स्पोर्ट के दो बंदे डाउन है लेकिन यहाँ पर रिंग लीडर के भी दो बंदे डाउन हो चुके हैं यहाँ पर के टीम की बात करेंगे जेस्टर पर शॉट लगाने की कोशिश की जा रही है इस बार निकल कर आए डाउन किया यहाँ पर और 1v1 की सिचुएशन गाइस यहाँ पर 1v1 की सिचुएशन गाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है और प्लेयर को रिवाइव करने में कामयाब हो चुके हैं प्लेयर को रिवाइव करने में कामयाब ओके यहाँ पर किल मुकम्मल किया अपने प्लेयर को बचाने के लिए जाएंगे अपने प्लेयर को बचाने के लिए जाएंगे नहीं गाइस यहाँ पर रिंग लीडर बाजी लेके जा चुकी है सार टी स्पोर्ट को यहाँ पर हरा दिया गया रिंग लीडर की जानिब से 1-1 नीचे हो चुका था जालिम यहाँ पर 12 किल के साथ एमवीपी बनते हुए नजर आएंगे अपनी टीम में से और क्या ही जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर रिंग लीडर की देखने को मिली है रिंग लीडर यहाँ पर अगेन हॉट शॉट के साथ प्ले करती हुई दिखाई देने वाली है और अगर ये मैच रिंग लीडर जीत जाती है तो यहाँ पर जो है वो चैंपियन बन जाएगी लेकिन हॉट शॉट से रिवेंज लेना पड़ेगा हॉट शॉट जो कि ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमें फाइनल में देखने को मिल रही है फाइनल होने जा रहे गाइस रिंग लीडर्स वर्सेस हॉटशॉट के दरमियान क्या लगता है आपको कौन यहां पर चैंपियन बनेगा साल टी स्पोर्ट को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया कि केटीन थे ब्लैक हॉक थे साइक थे लेकिन खुरी यहां पर प्ले करते हुए नजर आए और रिंग लीडर यहां पर साल टी स्पोर्ट को हराने में कामयाब हो चुके अगला मैच है लेकिन उससे पहले यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि लाइट जाने का भी इशू है यहाँ पर 5:30 बजे लाइट जाती है यहाँ पे गाइस यहां पर फाइनल होने जा रहे टीम हॉट शॉट वर्सेस रिंग लीडर के दरमियान ये होपफुली गाइस लाइट ना जाए लाइट अगर ना गई तो यहां पर फाइनल आराम से हो जाएगा 300 लाइक्स होने में गाइस 14 लाइक्स रह चुके हैं 14 लाइक रह चुके हैं जल्दी से करवा दो यार फाइनल होने जा रहे गाइस हॉट शॉट वर्सेस रिंग लीडर के दरमियान जो जीतेगा गाइस वो चैंपियन बन जाएगा और जो हारेगा वो फर्स्ट रनर अप दिखाई देगा 25k डायमंड्स का प्राइस पूल है 25k यहां पर जो है वो 25,000 डायमंड दिए जाएंगे रिंग लीडर्स की स्पोर्ट आ रही है साइको आ चुके हैं अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम हॉट शॉट की स्पोर्ट आ रही है गाइस कौन चैंपियन बनेगा चैंपियन कौन है गाइस यहां पर ये लोग आप ये मेंशन कर देता हूं
लॉर्ड शॉर्ट होगी या फिर रिंग लीडर। चलो गाइस यहाँ पर रिंग लीडर वर्सेस यहाँ पर जो है वो फाइट देखने को मिलने वाली है हमें। चलिए गाइस देखते हैं रिंग लीडर वर्सेस गाइस यहाँ पर हॉट शॉट की फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी ग्रैंड फाइनल की। ज्वाइन करने वाली है यहाँ पर कुछ ही देर में टीम रिंग लीडर वर्सेस फॉर शॉर्ट। क्या मैसेज कर रहे हैं यहाँ पर? ओके गाइस यहाँ पर जो है वो हमारे साथ फाइनल है रिंग लीडर वर्सेस हॉट शॉट के दरमियान। हॉट शॉट चैंपियन बनेगी या फिर रिंग लीडर बनेगी ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। चलेगा टीम्स कौन सी हमें ज्वाइन कर चुकी है अभी तक कोई भी नहीं आई। जल्दी से आ गए ताकि मैच को स्टार्ट किया जा सके। गाइस 2 लाइक्स रह गए हैं 300 लाइक्स होने में। रिंग लीडर की सपोर्ट आ रही है अभी तक और हॉट शॉट के 68% आ चुके हैं चैंपियन बनने के और रिंग लीडर के 32% आ चुके हैं। तो देखते हैं गाइस यहां पे क्या बनता है। हार इस समय ज्वाइन कर चुके हैं Thank you.
सिल्वर प्ले बटन की ट्रीट तो दे दो. अच्छा सही है, कर देते हैं आप. रिंग लीडर नो डाउट बिगेस्ट कैंपर इन दी यार, तो लिमिटेड में ब्रो चलता है ना. आप तो इस चीज को हेट में ले आते हो यार, कोई हाल नहीं आप लोगों का, कोई हाल नहीं है. चलता है ब्रो, चलता है. चले गाइस, रिंग लीडर आ चुकी है. रिंग लीडर्स के पास चांस है अपना पिछली जो हमारे यहाँ पर जो है वो फाइट रही थी उसका यहाँ पर जो है वो बदला लेने का, क्योंकि यहाँ पर जो सेमीफाइनल में हॉट शॉट ने उनको हराया था. अब दोबारा चांस है यहाँ पर रिंग लीडर्स के पास कि वो दोबारा से यहाँ पर जो है वो इस बार हॉट शॉट को हरा सके, वरना यहाँ पर मुश्किल हो सकती हैं रिंग लीडर के लिए और चैंपियन यहाँ पर हॉट शॉट बन सकती है. ज्वाइन कर चुकी है, हॉट शॉट हमें ज्वाइन करने वाली है और हॉट शॉट के ज्वाइन करते हैं यहाँ पर मैच को स्टार्ट कर दिया जाएगा. हॉट शॉट वर्सेस रिंग लीडर गाइस, यहाँ पर ग्रैंड फाइनल चलने वाला है. ग्रैंड फाइनल सीएस सुपर सीएस दंगल का, यहाँ पर सुपर सीएस दंगल का यहाँ पर जो है वो हमारे साथ ग्रैंड फाइनल चलने वाला है. रिंग लीडर जो आरएल को इजी ना ले कैंपर है, बट बर्थडे बहुत बर्थडे है. छोटे यूजर के लिए भी लाओ, छोटे यूजर्स के लिए क्या लेकर आऊँ, क्या लेकर आऊँ बताएं. यार कस्टम एचओवी ठीक नहीं हो रहा, कोई हल बताओ. दोबारा बना लो ना कस्टम एचओडी, अब दोबारा बना लो, यही हल है और क्या हल हो सकता है. अभी अभी आने वाला है गाइस, अभी लास्ट फाइनल मैच होने वाला है रिंग लीडर और हॉट शॉट के दरमियान.
फिर चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। फिर खराब हो जाती है। We'll be right back.
चलें गाइस, ग्रैंड फाइनल की यहाँ पर मैच होने जा रहे हैं रिंग लीडर वर्सेस हॉटशॉट के दरमियान। हॉटशॉट का एचओडी का इशू आ गया था यहाँ पर, कस्टम एचओडी का, तो यहाँ पर वो उसको सॉल्व आउट कर रहे थे और अभी यहाँ पर हमें ज्वाइन करने वाले हैं और मैच को स्टार्ट किया जाएगा रिंग लीडर्स वर्सेज गाइस यहाँ पर टीम हॉटशॉट के दरमियान ग्रैंड फाइनल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर दोनों टीमें हमें यहाँ पर प्ले करती हुई नजर आएंगी और होपफुली कि काफी इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, काफी मजेदार मैच रहेगा और जो भी टीम यहाँ पर जीतेगी इस सुपर सीएस दंगल को 25K डायमंड्स अपने नाम करती हुई नजर आएगी। 25K 25,000 डायमंड्स का प्राइस पूल अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। इतना टाइम है, क्या सीन है। भाई कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, ऑलमोस्ट आधा घंटा तो हम लोग वेट ही करते रह गए यहाँ पर, टीम्स ही नहीं आ रही अभी तक। बात सुनो एक, यस यस बोलो ब्रो बोलो। नमाज का टाइम भी हो जाएगा यार, क्या सीन है यार। कह रहे हैं अभी एचओबी के साथ भी वही सीन हुआ, उनका भी रीसेट हो गया था, फ्री मैक्स किया है सीन है कस्टम एचओडी का। हाँ हाँ वो कर दिया, आरएल ज्वाइन नहीं कर रही है आई थिंक, डर गई। नहीं आरएल ने ज्वाइन कर लिया है, हॉटशॉट नहीं अभी तक ज्वाइन की भाई। 25 मिनट होने वाले हैं ऊपर,
गुरु हमें स्लॉट देना, किस में कौन सी लीग में स्लॉट चाहिए आपको, स्लॉट किस में चाहिए ब्रो। हाय यार मैं क्या करूं, मैं कसम से पागल होने वाला हूं। इतना वेट तो भैया मैंने कभी नहीं किया यार, कभी भी नहीं किया यार। फाइनल का मैच है और इतना वेट करवा रहे हैं, अल्लाह की कसम। यार अब तो मेरे सब्र की ना अब पैमाने टूट चुके हैं गाइस, सच में मैं बता रहा हूँ। फाइनली गाइस आधे घंटे बाद अब जो आगे टीम्स आएंगे गाइस, चलो फिर आ गई है, देर आए दुरुस्त आए। चलें गाइस रिंग लीडर्स के यहाँ पर जो है जेस्टर को खत्म कर दिया गया है, हॉट शॉट मुकाबला करिए रिंग लीडर्स के साथ, जो जीतेगा गाइस वो बनेगा यहाँ पर चैंपियन हमारे आज की इस सुपर सीएस दंगल के इस टूर्नामेंट का। और 25 के डायमंड्स का प्राइज पूल का यहाँ पर जो है वो जीत जाएंगी प्राइज पूल। और यहाँ पर रिंग लीडर के एस्टर टॉस दिखाई दे रहे हैं, बहुत से जाली में यहाँ पर हॉट शॉट ने इससे पहले रिंग लीडर्स को हराया है, लेकिन रिंग लीडर्स का कमबैक यहाँ पर बहुत जबरदस्त रहने वाला है। और रिंग लीडर्स यहाँ पर जो है वो अगर
अपना बदला पूरा कर लेती है तो बेहतरीन सीन रहेगा यहाँ पर उनकी तरफ से। ये होल्ड किया जा रहा है, जेस्टर को डाउन किया गया था यहाँ पर स्टार्टिंग में और अभी तक यहाँ पर होल्ड करते हुए ही दिखाई दे रहे। भाई ग्रैंड फाइनल चल रहा है अभी, टीम बाकी वाले तीन है ही नहीं है। हॉट शॉट ने गाइस आते सार में राउंड अपने नाम कर लिया और 1-0 की सिचुएशन के साथ हॉट शॉट यहां पर एक अच्छा स्टार्ट दे चुकी है और काफी अच्छा स्टार्ट देखने को मिला है हॉट शॉट की जानिब से। हॉट शॉट वर्सेस गाइस यहां पर चलता हुआ रिंग लीडर के दरमियान यहां पर ग्रैंड फाइनल और जो जीतेगा यहां पर चैंपियन बन जाएगा, 25 के डायमंड्स अपने नाम कर लेगा और जो हारेगा वो फर्स्ट रनर अप रहेगा। तो देखते गाइस यहां पर किसके नाम जाता है यहां पर ये टाइटल और कौन यहां पर बनता हुआ दिखाई देते चैंपियन हमें। हाँ, बस वही बोल रहा था यार, बस ओके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। टॉस यहाँ पर आगे मौजूद है, हॉट शॉट की एक प्लेयर बाइबल साइड पे देखने को मिल रही है। हॉट शॉट के हाशु आगे निकल कर आए हैं, शॉट लगाने की कोशिश, हाशु को डाउन किया गया है टॉस की जानी पे। मुकम्मल करते हुए नजर आने वाले सिक्का यहाँ पर मौजूद है, सिक्का डाउन करेंगे यहाँ पर। रिंग लीडर्स के दो बंदे यहाँ पर डाउन हो चुके हैं और यहाँ पर रिंग लीडर्स के दो ही प्लेयर्स रह चुके हैं गाइस यहाँ पर रिंग लीडर के। बॉस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ बॉस रह चुके हैं गाइस यहाँ पर। हॉट शॉट नहीं हिलने दे रही यहाँ पर टीम, यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है रिंग लीडर यहाँ पर दोबारा से पहुंची है फाइनल में लेकिन नहीं जीतने दे रही। और ये ले गाइस यहाँ पर साजिद की तरफ से खत्म किया गया है 2-0 के सिचुएशन के साथ। गाइस यहाँ पर टीम हॉट शॉट लीड बनाती हुई दिखाई देने वाली है। चले गाइस यहाँ पर ग्रैंड फाइनल चलता हुआ रिंग लीडर्स वर्सेस गाइस यहाँ पर टीम हॉट शॉट के दरमियान और हॉट शॉट यहाँ पर दो राउंड्स के साथ लीड में आ चुकी है गाइस यहाँ पे। रिंग लीडर के यहाँ पर ऐसे टॉस की बात करेंगे, एक किल के साथ है, बॉस 0 किल के साथ है, जेस्टर की बात करते हैं वो 0 किल के साथ है और जालिम 0 किल के साथ देखने को मिले। बदले में यहाँ पर टीम हॉट शॉट के सिक्का काफी खतरनाक साबित हुए हैं और यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर जाते हुए नजर आएंगे प्लेयर्स रिंग लीडर के। एक और अनस यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर साजिद करीब पहुंच चुके हैं, ऊपर वाली साइड पर प्लेयर मौजूद हैं और साजिद निकल कर आए, शॉट लगाया, शॉर्ट रेंज की गन M87 का इस्तेमाल किया जा रहा है और के स्नाइपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्नाइपिंग का शॉट साजिद को लग नहीं पाया यहाँ पर। साजिद यहाँ पर डाउन हुए, यहाँ पर जेस्टर आ रहे हैं, जेस्टर यहाँ पर सिक्का डाउन कर पाएंगे जेस्टर को, नहीं सिक्का को डाउन किया गया गाइस यहाँ पर। अनस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अनस डाउन हो सकते हैं यहाँ पर, बैक साइड से भी डैमेज आ रहे हैं अनस को, अनस मुश्किल में अनस बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पर इस बार रिंग लीडर का कमबैक आता हुआ नजर आ रहा है, रिंग लीडर का कमबैक आ चुका है 1-2 की सिचुएशन के साथ, कमबैक कर रही है यहाँ पर रिंग लीडर हमारे साथ। बिल्कुल गाइज यहाँ पर रिंग लीडर कम बैक करती हुई नजर आई है, 2-1 की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अनस है यहाँ पर, आशु है, साजिद है और सिक्का यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। रिंग लीडर के एस्टर टॉस यहाँ पर है और एस्टर टॉस की तरफ से यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या ही जबरदस्त किल देखने को मिले हैं और रिंग लीडर वापसी कर रही है गाइज गेम के अंदर दोबारा से। बॉस आगे बढ़ेंगे यहाँ पर टीम रिंग लीडर्स की जानिब से, रिंग लीडर्स का कम बैक आया है इस बार। टीम हॉट शॉट को इस बार अगर हराना है तो चैंपियन का टाइटल अपने नाम करते हुए दिखाई देंगे। ओके
होल्ड किया जा रहा है। अनस हैं, हाशु हैं, यहाँ पर साजिद हैं और सिक्का यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। और बदले में यहाँ पर रिंग लीडर के प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर एज़र टॉस हैं, बॉस हैं यहाँ पर हमारे साथ, जेस्टर दिखाई दे रहे हैं और जालिम प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यार कस्टम एचओडी ना, आप लोग तो उसको कुछ भी छेड़े वेड़े नहीं, आपकी कस्टम एचओडी दोबारा वापस आ जाएगी। एक ग्लिच चल रहा है और वो करीना वाले उसी पे काम कर रहे हैं, और आप लोग कुछ चेंजिंग वेंजिंग ना करना, थोड़ा सा वेट कर लो तो वो हो जाएगा सेट। ओके, काफी अच्छे शॉट जेस्टर को लगे यहाँ पर सिक्का की जानिब से। ओके, ये राउंड किसके नाम जाने वाला है ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। की सिचुएशन है गाइस, हाशु अकेले रह चुके हैं यहाँ पर हॉट शॉट की तरफ से। रिंग लीडर गाइस दो राउंड्स की वापसी में वापस आती हुई नजर आ रही है और दो राउंड्स अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। हॉट शॉट का नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इस बार चैंपियन का टाइटल अपने नाम करना है तो यहाँ पर हॉट शॉट को हराना पड़ेगा रिंग लीडर की तरफ से। 25,000 गाइस प्राइस पूल रहने वाला है यहाँ पर। गाइस ये यार्ड नहीं करो, वायरस रो नहीं करो यार, क्यों कर रहे हो इस चीज को। चले गाइस यहाँ पे 2-2 ईच हो चुका है और यहाँ पर टीम हॉट शॉट को पहला नुकसान भी देखने को मिल चुका है हाशु की सूरत में, और यहाँ पर अनस को डैमेज आता हुआ नजर आ रहा है रिंग लीडर्स की जानिब से। रिंग लीडर्स यहाँ पे डाउन करने में कामयाब होगी या नहीं, ऐसे टॉस यहाँ पर चेक रोनो का इस्तेमाल कर चुके हैं, बचत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर टीम हॉट शॉट जो कि पहले हरा चुकी है यहाँ पर टीम रिंग लीडर को, लेकिन इस बार अगर हारी तो भाई चैंपियन का टाइटल से रह जाएगी, लेकिन अगर जीत जाती है तो चैंपियन का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। गाइस यहां पर बाहर निकल कर आए हैं टीम हॉट शॉट के, एक और प्लेयर डाउन है यहां पर, जालिम को भी डाउन की जालिम की तरफ से डाउन किया गया और अकेले साजिद बचे हैं। और ये लेगा इस यहां पर रिंग लीडर्स अब लीड बनाना स्टार्ट कर चुकी है टीम हॉट शॉट के मुकाबले में, और ग्रैंड फाइनल को अपने हक में लेकर जाती हुई नजर आने वाली।
गाइस यहाँ पर हॉट शॉट के भी एक प्लेयर हाशो डाउन हो चुके हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है और रिवाइव कर दिया जाएगा। लीग लीडर्स की बात करेंगे, साजिद को बहुत ज्यादा डैमेज आ चुका है, साजिद डाउन करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए। अनस को भी डाउन किया गया यहाँ पर, टीम हॉट शॉट फिर से बिखरती हुई नजर आ रही है, सिक्का आ चुके हैं। ओके गाइस सिक्का यहाँ पर राउंड निकाल के दे पाएंगे, अकेले रह चुके हैं, 1v3 करना पड़ेगा यहाँ पर हॉट शॉट के सिक्का को रिंग लीडर यहाँ पर चैंपियन बनने के लिए। यहाँ पर राउंड पे राउंड निकालती हुई नजर आ रही है, डैमेज आ चुका है सिक्का को यहाँ पर काफी अच्छा खासा। क्वाड्रा किल की आवाज आएगी जेस्टर की जानिब से, भाई जेस्टर ऑन फायर रिंग लीडर की जानिब से, चार राउंड्स अपने नाम कर चुकी है यहाँ पर रिंग लीडर। गाइस अभी तक तो जो है रिंग लीडर्स का ही भाई यहाँ पर जो है वो दबदबा कायम है। रिंग लीडर एक और प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हो चुकी है, जालिम की एचपी काफी कम दिखाई दे रही है, सिक्का को डाउन किया गया है लेकिन बदले में यहाँ पर एक और प्लेयर को डाउन कर दिया गया है और यहाँ पर साजिद एक और प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। एस्ट्रो टॉस रह चुके हैं, रिवाइव किया जा रहा है, एस्ट्रो टॉस निकल कर आए, भाई गलत फैसला था यहाँ पर रिवाइव करने का और यही यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा। रिवाइव करेंगे यहाँ पर, नहीं रिवाइव तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, अनस आते हुए नजर आ रही है टीम हॉट शॉट को, यहाँ पर एक राउंड की वापसी की जरूरत है और अगर यार नहीं कर पाते तो नुकसान में जाएंगे। अनस आगे बढ़ चुके हैं, चार्ज बस उठा लिए यहाँ पर अनस ने, ओके अनस खत्म करेंगे यहाँ पर फाइनली गाइस। यहाँ पर जो हॉट शॉट की तरफ से कमबैक की जरूरत थी वो एक राउंड देखने को मिल चुका है और 3-4 की सिचुएशन के साथ कमबैक आता हुआ नजर आ रहा है टीम हॉट शॉट की जानिब से। गाइस 350 लाइक्स होने में 13 लाइक्स रह चुके हैं, 23 लाइक्स रह चुके हैं, जल्दी से पूरे करें, इसने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ। और गाइस मैच काफी इंटेंस हो चुका है, ग्रैंड फाइनल जैसा होना चाहिए था वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिंग लीडर्स यहां पर पहले लीड बना चुके थे 4-2 की लेकिन अभी यहां पर कमबैक आया है टीम हॉट शॉट का और अनस ने क्या ही जबरदस्त राउंड निकाल के दिया अपनी टीम को। माल यहाँ पर रोड शॉट के लिए कमेंट करते हुए नजर आ रही है, देखना पड़ेगा साजिद ऊपर जाते हुए सिक्का को डाउन किए गए, सिक्का यहाँ पर किस जगह पे मौजूद है ये देखना पड़ेगा, सिक्का को हील किया जाएगा, नहीं मुश्किल लग रहा है, साजिद दूसरी तरफ से आ चुके हैं, साजिद शायद डाउन करने में कामयाब हो जाए जेस्टर को यहाँ पर। ओके अच्छे शॉट्स डाउन कर दिया, ऊपर से प्लेयर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर साजिद किल पूरा करेंगे अपना।
ऊपर से भी डैमेज आ रहा था और यहाँ पर नीचे से भी डैमेज आता हुआ नजर आया। एस्टर टॉस काफी जबरदस्त खेल रही है और ये लेट आउट कर दिया। टीम ऑर्चर्ड के एक ही प्लेयर रह चुके हैं हाशु। टीम रिंग लीडर 5-3 की सिचुएशन के साथ गाइस यहां पर फिर से लीड एक अच्छी बनाने में कामयाब हो चुकी है। फाइनल का एक ही मैच रहेगा और यहां पर वो मैच मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिंग लीडर के खाते में जाता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर देखते हैं डैमेज की जा रही है रिंग लीडर पर भी। यहाँ पर ओके रिंग लीडर्स के दो बंदे डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर करीब पड़ने की कोशिश की जा रही है और मुश्किल में यहाँ पर हॉट शॉट के भी एक प्लेयर डाउन। चार्ज बस्टर का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल, एक ही प्लेयर एस्टर टॉस रह चुके हैं, उनको खत्म किया। यहाँ पर 5-4 की सिचुएशन के साथ हॉट शॉट अभी भी गेम के अंदर बाकी है और अभी भी यहाँ पर इतनी आसानी से सामने वाली टीम को चैंपियन नहीं, सिंगल मैच रहेगा, फाइनल का भी सिंगल ही मैच रहेगा क्योंकि ऑलरेडी टीम्स के आगे मैचेस हैं तो इसलिए ज्यादा मैचेस नहीं करवा सकते, तो सिंगल मैच ही रहेगा और ये सिंगल मैच ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। साथ जिसको डैमेज आता हुआ नजर आया है, सिक्का की बात करेंगे, यहाँ पर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे थे, डैमेज आया सिक्का को, यहाँ पर डाउन हो सकते हैं यहाँ पर सिक्का, लेकिन बचत हो जाएगी। रिंग लीडर्स की बात करेंगे, यहाँ पर रिंग लीडर के एक प्लेयर जालिम काफी दूर दिखाई दे रहे हैं, हाशु शायद उनको सपोर्ट कर चुके हैं और दो प्लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जेस्टर बैक साइड में मौजूद है। हॉट शॉट की बात करेंगे, हॉट शॉट के दो प्लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक प्लेयर यहाँ पर मौजूद है। जालिम को डाउन कर दिया गया गाइस, यहाँ पर जालिम डाउन हो चुके हैं, एस्टर टॉस को काफी डैमेज आता हुआ नजर आ रहे हैं और एस्टर टॉस भी डाउन हो सकते हैं, एस्टर टॉस को भी डाउन कर दिया गया गाइस यहाँ पर। और हॉट शॉट इस राउंड में फिर से ताबड़तोड़ गेम प्ले करती हुई नजर आ रही है और ये राउंड फिर से अपने नाम करने में कामयाब हो सकती है। ग्रैंड फाइनल का यहाँ पर मैच चलता हुआ टीम रिंग लीडर वर्सेस हॉट शॉट के दरमियान और यहाँ पर दो प्लेयर्स रह चुके हैं रिंग लीडर्स के। 5-4 की सिचुएशन है, चैंपियन बनने के चांसेस गाइस यहाँ पर टीम हॉट शॉट के बनेंगे यहाँ पर रिंग लीडर्स के। लीड तो रिंग लीडर्स के पास है लेकिन इस राउंड में यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा टीम हॉट शॉट के दिखाई दे रहे हैं। कि प्लेयर रह चुके हैं जेस्टर और जेस्टर ग्लूवा लगाते हुए चार प्लेयर्स उनका मुकाबला करेंगे और ये शॉट लगेगा अनस की जानिब से और 5-5 ईच कर दिया गया गाइस यहाँ पर। दो राउंड जिसने भी यहाँ पर हासिल कर लिया और स्पेशली ये राउंड मैं हमेशा कहता हूँ कि 5-5 जब राउंड बराबर हो जाते हैं तो ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रेशर डालने के लिए सामने वाली टीम के लिए। तो यहाँ पर ये राउंड जिसके भी नाम गया तो वो यहाँ पर ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आएगी और फाइनल राउंड जीती हुई भी दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पर 5-5 ईच हो चुकी है, टीम ऑर्चर्ड का कमबैक आया, यहाँ पर 5-3 से यहाँ पर 5-5 बराबर कर दिए। हॉट शॉट आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है, सिक्का अनस साजिद और यहाँ पर हाशु हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं रिंग लीडर्स की तो रिंग लीडर्स यहाँ पर प्ले करते हुए दिखाई देने वाली है, बहुत सामने मौजूद है। यहाँ पर जेस्टर की तरफ से शॉट आ रहे हैं, शॉट लगाने के लिए निकले तो थे यहाँ पर लेकिन नहीं लगा पाए और एक ही प्लेयर हाशु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी हॉट शॉट की टीम बाकी वहां दूसरी जानी मौजूद है। जेस्टर टॉस थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो बैक साइड से जाते नजर आ रहे हैं, इनके पास यहाँ पर जो है वो AWM का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रिंग लीडर्स की स्पोर्ट आ रही है लेकिन गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा, 5-5 राउंड बराबर है, 5-5 राउंड बराबर है, यहाँ पर इतना आसान नहीं रहेगा कि कौन यहाँ पर बाजी लेके जाए। ओके दोनों टीम के एक एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं गाइस यहाँ पर और नुकसान यहाँ पर देखना पड़ेगा रिंग लीडर्स। रिंग लीडर्स यहाँ पर ही कर रही है, बॉस यहाँ पर निकल कर आते हुए
शॉट लगाई गई है मेरी 7 के और डाउन कर दिया यहाँ पर साजिद को, साजिद को डाउन कर दिया। हॉट शॉट मुश्किल है इस राउंड में, हॉट शॉट के लिए मुश्किल था इस राउंड में, लेकिन नहीं यहाँ पर हॉट शॉट के सिक्का और अनस यहाँ पर खतरनाक साबित हुए। 2v2 की सिचुएशन, 2v2 की सिचुएशन गाइस, यहाँ पर ग्लू वॉल लगा दी, ग्लू वॉल लगा दी गई है। ओके डाउन कर दिया सिक्का को, यहाँ पर कर दिया जाएगा दोबारा से। 3 प्लेयर्स यहाँ पर रिंग लीडर्स के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हॉट शॉट के 2 प्लेयर्स दिखाई देने वाले हैं। भाई जोन आ चुका है, जोन आ चुका है, टीम हॉट शॉट को निकलना पड़ेगा। ओके एक प्लेयर को डाउन जरूर किया था, लेकिन रिंग लीडर्स को ये राउंड जाएगा। 6-5 की सिचुएशन के साथ रिंग लीडर्स यहाँ पर लीड में है और 6 राउंड यहाँ पर जीत चुकी है। भाई एक राउंड की दूरी पर है यहाँ पर रिंग लीडर चैंपियन बनने के लिए। गाइस यहाँ पर रिंग लीडर्स वर्सेस हॉट शॉट चलता हुआ, 2v2 की सिचुएशन है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हॉट शॉट बाजी लेके जाती है तो यहाँ पर जो है वो फायदा होगा हॉट शॉट का, लेकिन अनस के ऊपर अटैक कर दिया गया है, अनस को डाउन किया जाएगा। नहीं अनस नहीं, यहाँ पर एस्ट्रोटॉस रह चुके हैं, एस्ट्रोटॉस रह चुके हैं गाइस यहाँ पर, और अकेले यहाँ पर 6-6 ईच होने वाला है गाइस। ग्रैंड फाइनल का भी मैच यहाँ पर 6-6 ईच होने वाला है। ग्रैंड फाइनल का यहाँ पर 6-6 पीच होने वाला है। यहाँ पर हील कर दिया गया, साजिद को भी रिवाइव कर दिया गया गाइस यहाँ पर। चारों प्लेयर्स हॉट शॉट के और ये ले गाइस यहाँ पर 6-6 पीच के बाद यहाँ पर अब चैंपियन बनने के लिए एक राउंड की नीड है यहाँ पर, या तो रिंग लीडर या फिर यहाँ पर हॉट शॉट। चलो गाइस देख लेते हैं यहाँ पर ये फाइनल राउंड किसके नाम जाने वाला है, चैंपियन कौन बनने वाला है, हॉट शॉट या फिर रिंग लीडर। क्या ही ग्रैंड फाइनल का फाइनल मैच हुआ है रिंग लीडर्स और हॉट शॉट के दरमियान। दोनों टीमें यहां पर टक्कर की गेम प्ले करती, यार नहीं करो यार क्या हो गया। जेस्टर को शॉट लग चुका है, लेकिन अभी फाइनल राउंड है, देखना पड़ेगा यहां पर, संभल के खेलना पड़ेगा यहां पर। साजिद है, अनस है यहां पर और आशु है यहाँ पर एक साइड पर मौजूद है। ग्रैंड फाइनल गाइस यहाँ पर लास्ट राउंड पे गेम टिक गई है यहाँ पर, रिंग लीडर्स यहाँ पर हॉट शॉट, रिंग लीडर्स यहाँ पर हॉट शॉट। कौन यहाँ पे बनेगा चैंपियन इस सुपर सीएस दंगल का, और जो कि टॉप 8 टीम्स को यहाँ पर मौका मिला था, और टॉप 8 टीम्स में से यहाँ पर हमारे साथ टॉप 2 टीम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, हॉट शॉट एंड रिंग लीडर्स। यहाँ पर रिंग लीडर्स बाजी लेके जाएगी या फिर हॉट शॉट, ये देखना पड़ेगा चैंपियन कौन कहलवाएगी। चलो गाइस यहाँ पर जो अभी तक होल्ड किया जा रहा है, अनस को यहाँ पर आगे आना पड़ेगा, कवर दे रहे थे लेकिन अभी आगे आना पड़ेगा। जोन आ चुका है, जोन काफी कम होता हुआ जा रहा है, और जालिम ग्लूवा लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और टीम हॉट शॉट के यहाँ पर जो है वो 2 प्लेयर्स बैक साइड में मौजूद है, 2 सामने मौजूद है,
रिंग लीडर्स की बात करेंगे तो रिंग लीडर्स के चारों प्लेयर्स एक साइड पे मौजूद है। जेस्टर को शॉट लग चुका है और जेस्टर यहाँ पर काफी कम एच पी रह चुकी है। चले देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या बनने वाला है। थोड़ा सा रोटेशन लेकर आए थे इसी का यहाँ पर डैमेज देते हुए आशु को काफी ज्यादा डैमेज आ चुका है। आशु खुद को यहाँ पर कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस यहाँ पर देखते हैं टीम हॉट शॉट वर्सेस गाइस यहाँ पर रिंग लीडर्स। फाइनल राउंड गाइस यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी क्लोज गेम आ चुकी है यहाँ पर। रिंग लीडर के एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर टीम हॉट शॉट को फायदा होने वाला है। टीम हॉट शॉट को फायदा होगा या रिंग लीडर्स को फायदा होगा। ग्लूवाज लग चुकी है। एस्टर टॉस ऊपर वाली साइड पे देखने को मिल रही है। एस्टर टॉस को डाउन किया गया गाइस। यहाँ पर कौन लेके जाएगा? जोन फाइट चल रही है और यहाँ पर बाजी लेके जा चुकी है टीम रिंग लीडर, जो के बनेगी यहाँ पर YK सुपर CS दंगल की चैंपियन। एस्टर टॉस MVP बनते हुए दिखाई देंगे। रिंग लीडर्स गाइस यहाँ पे बाजी लेके जा चुकी है और चैंपियन बन चुकी है गाइस यहाँ पर। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। बहुत ज्यादा क्लोज सीन चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ओके गाइस यहाँ पर YK सुपर CS दंगल की चैंपियन बन चुकी है टीम रिंग लीडर गाइस। चले गाइज अभी जो है गुरु भाई बिलाल वेलकम टू दिस टीम हो गया। चलो गाइज अभी दे मुझे इजाजत क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और काफी ज्यादा जो है वो एक और भी काम है मेरे। तो चले गाइज अभी लेते हैं इजाजत। अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए गाइज अल्लाह हाफिज़। और इसी लीग को इंशाल्लाह अगर होपफुली के नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, देखना पड़ेगा। लेकिन सुपर स्कीम्स हमारी जरूर जल्दी जो आने वाली हैं, वो जरूर इंजॉय करिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ गाइज, टेक केयर, बाय बाय।